see blood through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है इस इंडिया टुडे वैलोरेंट कप में, पावर्ड बाय डब्ल्यूडी ब्लैक एंड प्रेजेंटेड बाय लेस गेम नाउ। डब्ल्यूडी ब्लैक वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक यानी कि डब्ल्यूडी ब्लू SN750 NVMe SSD एंड साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। डब्ल्यूडी ब्लू SN550 NVMe SSD, साथ ही साथ ये SSD है NVMe का, इसकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मैं बताऊं तो इसकी जो कैपेसिटी है आपकी 250 GB, साथ ही साथ 500 GB एंड 1 TB एंड साथ ही साथ 2 TB में आता है। इंटरफेस की बात करूँ तो आपको इसमें PCI Zen 3 आपको इसका इंटरफेस चाहिए। साथ ही साथ चलते इसके फॉर्म फैक्टर की तरफ, तो M.2 2280। चलते हैं जरा सिक्वेंशियल रीड की तरफ। जो इसका रीड की बात करूँ, इसका स्पीड है 2400 MB/s। साथ ही साथ मैं राइट की बात करूँ 1950 MB/s, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस बहुत ही। अगर इसकी मैं बात करूँ ना ओवरऑल, अगर हम स्पीड की अगर हम बात करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र रेट की बात करूँ तो 8 GB/s। तो आप करते हो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। मैं बहुत खुश हूँ इसको लेकर के। तो मैं चाहता हूँ यार आप भी इसको एक्सपीरियंस करो, मैं तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप OS इंस्टॉल करते हो, साथ ही साथ आप जब PC को रिस्टार्ट करते हो आप विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी डिले, विद इन 3 to 5 seconds आपको बहुत अच्छा एक अगर मैं बात करूँ तो रिस्टार्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप बूट करना चाहते हो, OS उसमें डालना चाहते हो, तो जहाँ पे बाकी SSD 15 to 20 minutes या फिर आधे घंटे लेते हैं, तो ये बिल्कुल आपको विद इन 5 minutes या फिर विद इन 10 minutes आपको OS इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस मैच की तरफ, इस गेम की तरफ, वैलोरेंट जो कि इस आए हुए 2020 में बहुत ही बेहतरीन गेम है। PC गेम की बात करूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे दबदबा बना रखा है। एंड बात करें यहाँ पे तो हमारे साथ यहाँ पे जोड़ चुके हैं क्रैकी जैकी भी, तो आपका भी क्रैकी बहुत ढेर सारा स्वागत है इस इंडिया टुडे वैलोरेंट कप में। एंड चलते हैं मैच के बारे में बात करते एक बार। तो मैच की बात करें, दो टीमें यहाँ पे लड़ेंगी, 5 vs 5, एक तरफ अटैकर होगी एक तरफ डिफेंडर होगी। बात करें तो एक तरफ जो टीम है, जो डिफेंडर टीम है, वो है रेज स्पोर्ट, साथ ही साथ अटैकर टीम की तरफ चलते हैं उस्ताद गेमर्स। तो काफी बेहतरीन गेम होने वाला है, 5 vs 5 एसेंट के मैप पे खेलने वाली यहाँ पे टीम, देखते हैं क्या होने वाला है। अभी ये जो एसेंट का मैप है काफी डिफेंडिंग बायस्ड मैप है, एंड जिसके पास जैसे कि आप बोल सकते हैं डिफेंडर्स हमारे रहने वाले हैं टीम रेज स्पोर्ट्स, तो इनके पास थोड़ा सा अर्ली गेम एडवांटेज रहेगा। एंड लेट्स सी क्या कर पाते हैं इस गेम के अंदर। अभी फिलहाल के लिए कुछ ही समय में पहला मैच शुरू होगा आज की शाम का, जो कि आज टोटल 4 matches होने वाले मैच है, एंड आई थिंक आज के 4 matches काफी रोमांचक रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, काफी रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। लेट्स सी देखते हैं इस गेम में क्या होता है, एसेंट के मैप पे खेला जा रहा है। साथ ही साथ एसेंट के मैप की बात करूँ तो देखा जाए तो ये एक आइलैंड से लिया गया मैप है, यानी कि ना देखा जाए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल है वेनेशियन आइलैंड जो कि मियामी पे है, उसके फीचर्स पे लिए गए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एक मिड एरिया होता है जो दोनों साइड को अलग करता है, ए एंड बी साइड को। और साथ ही साथ अगर मैं बात करें ना तो टीमें कोशिश करती है मिड एरिया को ज़्यादा, डिफेंडर टीम्स कोशिश करती है होल्ड करने का, या तो ऑपरेटर या फिर मार्शल के साथ, कि वो अटैकर टीम को रोक सके। एंड अगर आपके पास मिड कंट्रोल है आप आराम से वो मैच और राउंड ले जा सकते हैं। चलते हैं, मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और इस मैदान जंग में दोनों टीमें उतर चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन से एजेंट चूज किए जाएंगे, कौन से प्लेयर कौन से एजेंट चूज करते हैं। क्रैकी, सारे एजेंट्स के रोल भी अलग अलग है इस गेम में। या बिल्कुल, अभी हम यहाँ पे नजर मारें तो अभी डिफेंडिंग साइड पे हमको एक फीनिक्स नजर आ रहे हैं, एक ओमेन, एक जेट, एक रेना और एक सोवा। अब देख सकते हैं बाकी और हमें नजर आने वाले हैं। आई थिंक अटैकर साइड पे आप बता दीजिए अपनी टीम को, अटैकर साइड के एजेंट्स का नाम। बिल्कुल, अटैकर की तरफ चलते हैं तो हैपिंग, एंड चलते हैं लाइटनिंग आशीष की तरफ, उसके बाद है यहाँ पे स्पाल एंड रेट्रो। एंड साथ ही साथ देखा जाए डिफेंडर की तरफ चलते हैं रेज एरिज स्किलर 01, साथ ही साथ नॉनी DB2611 एंड प्रथम 17। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ क्लासिक एंड डिफेंडर में भी एक देखा जाए तो घोस्ट यूज किया गया, एंड इधर देख सकते हैं इधर भी एक घोस्ट लिया गया। बाकी इकोनॉमिकल फाइट यहाँ पे देखने को मिल सकती है क्रैकी। बिल्कुल, बट अभी अगर अपने से मारे तो डिफेंडर्स ने यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी ना शील्ड भी लेने का प्रयास किया है, 125 अपनी हेल्थ रखना चाहते हैं, 25 HP की जो शील्ड है उन्होंने पहले राउंड में ही खरीदी है। मोस्टली वन टैप आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स यूज करते हैं एज अ गोस्ट को, बिकॉज 105 का सीधा हेड पे डैमेज पड़ता है। बट मीनवाइल सामने वाले प्लेयर्स ने आई थिंक कुछ शील्ड भी लिया है, तो आई थिंक क्लासिक का काफी अच्छा हेल्प मिलने वाला है उनको इस चीज से। जी हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ
अगर देखा जाए तो स्मोक का काफी बेहतरीन पाया जाए सामने की तरफ से मेरे काफी अच्छी तरीके से साइड का कंट्रोल लिया स्टार्टिंग स्टेजेस में, बिकॉज अगर आप यू नो फटाफट से साइड का कंट्रोल नहीं लेते आपके ऊपर थोड़ी सी मुश्किलें बनती है, बिकॉज डिफेंडर्स ऑलरेडी पीकर्स एडवांटेज पे बैठे हैं। आपको जब उनकी साइड में घुसना है आपको बिल्कुल एग्रेसिव होना पड़ेगा। एंड अभी के लिए पहला राउंड जब अग्रेसिव अटैकर्स जीती हैं अपने अग्रेसिव गेम प्ले के साथ, तो मे बी आई थिंक वो लोग हार्ड बाय करके आएंगे। अगर हार्ड बाय करके आते हैं तो ये राउंड मे बी वो अपने नाम फिर भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ प्रथम को देखा जाए तो मैच स्टार्ट होगा, अपने ऑल राउंड का इस्तेमाल करेंगे, रिवील करने की कोशिश की जाएगी सामने वाले अटैकर टीम को, लेसी देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी जो आपका ए मेन वाला ए लॉबी या फिर ए मेन वाले इलाके में अटैकर टीम नहीं आया, आई थिंक ये बी साइड जाएंगे या फिर कैटवॉक मिड कैटवॉक की तरफ से हो सकता है अटैक करें। लेसी देखते अपने रैकन बोर्ड का क्या इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ शॉक बोर्ड का कैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइनली इन्होंने अपना रैकन बोर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन देख सकते हैं सामने के ब्रिज की तरफ से भी अपने एबिलिटीज इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं अटैकर टीम्स। एंड साथ ही साथ सेज के पास अभी भी स्पाइक है, क्या वो स्पाइक काम करेंगे? लेकिन सामने से यहां पे नॉनी को फिनिश ऑफ किया जाएगा। इट्स फ्लॉलेस, इट्स नॉट एस क्रैकी, इट्स फ्लॉलेस। तो काफी शानदार गेम देखने को मिला अटैकर की टीम की तरफ से, यू नो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन्होंने मैच खत्म कर दिया ये राउंड। Yeah, like because already hard buy करके आए थे सामने वाले players के पास, पहला round अच्छा नहीं गया था उनका, तो उनको वहाँ पे hard buy नहीं कर लेना चाहिए था वैसे तो, but अगर नहीं किया क्योंकि वो third round के लिए बचा रहे थे, वरना economical round आ जाता और अभी full buy कर पाएंगे हमारे team defenders। So फिलहाल के लिए I think अभी जो ये A का push है काफी बढ़िया रहेगा, A पे सिर्फ Omen और Suva ही हमको defend करते नजर आ रहे हैं। Meanwhile पांचों के पांचों players I think पूरा hard push करते नजर आएंगे, breach अपनी flash के हाथ में लेके रखे हैं एंड यहाँ पे पहला flash करते हुए, ताकि उनकी तरफ अगर मान लो कोई मार्शल या फिर बोल सकते हैं ऑलरेडी एक पीक लेके बैठा वो फ्लैश हो जाए, उसके बाद बूम बॉट का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे फुको की तरफ से एंड यहाँ पे वॉल दी जाएगी लेफ्ट साइड, ताकि साइड को ब्लॉक किया जाए, साइड में इजी एंट्री मिले। यहाँ पे रेज अपना एक ग्रेनेड डालती हुई, एक राइट साइड में एक प्लेयर बैठा है टकपकी लेके, बगे के साथ सेज को पिक ऑफ किया जाएगा, वॉल बैंक करते हुए फुको, फुको को पता था कि यहाँ पे एक प्लेयर बैठा है, वॉल बैंक होगा, इजीली वॉल बैंक किया उस दीवार उस वुडन बोल सकते हैं बॉक्स के थ्रू। बट मीन वाइल अभी के लिए लास्ट प्लेयर आई थिंक डिफेंडर्स के, दैट्स गोना बी द फीनिक्स, और अभी डिफेंडर्स मुझे काफी बुरे स्थान पे नजर आ रहे हैं। जी हां बिल्कुल, फीनिक्स की बात करें तो इनका जो रोल है ड्यूलिस्ट वाला रोल है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहा है, सामने वाले प्लेयर को अब बॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बॉल का इस्तेमाल का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाए वंस अगेन। लेकिन एक के बाद एक यहाँ पे तीसरा राउंड अटैकर टीम लेकर जाती हुई, क्योंकि अगर ये जितना पॉइंट्स लेकर जाए जितने राउंड जीत कर जाए ना उतना जो अभी डिफेंडर वाली जो टीम है, अगर मैं रेज स्पोर्ट की बात करूँ उनको स्वैप होने के बाद उतनी प्रॉब्लम होंगे। यू नो आप अगर अटैकर में हो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूँ आपको दिक्कत होती है, लेट्स सी देखते हैं जब स्वैप अप होता है तो आप डिफेंडर टीम को कहीं ना कहीं आप डिफेंड करो पूरा होल्ड करो right वो there. काफी बेटर है बेटर रहता है कि आप अटैकर टीम को रोक सकते हैं। आपके पास सारे जो भी आपके पास चोक पॉइंट्स है आप पूरे चोक पॉइंट्स को होल्ड कर सकते हो। अगर बात करो मिड की तो वहां पे होल्ड कर सकते हो, ए राफ्टर की तरफ होल्ड कर सकते हो या फिर बी की तरफ। हाँ जी बिल्कुल, बट अभी के लिए आप अगर आप नोटिस करें तो अटैकर्स काफी अच्छे तरीके से इन्हें पोशन कर रहे हैं, बट मीनवाइल यहां पे अपने अल्टीमेट यूज करी है रेज ने, रेज माइट बी ट्राइंग टू टेक समवन डाउन, बट मीनवाइल मिड शॉट से पोशन करने का प्रयास साइफर का, साइफर पहला खून इस गेम में निकालते नजर आने वाले हैं इस राउंड के अंदर। मीनवाइल आई थिंक धीरे धीरे स्नीकी स्नीकी करके ऊपर जाने का प्रयास आएगा, सामने से जेट आती हुई, जेट पिक सरप्राइज देंगे एंड दैट्स गोना गेट रिवील द होल सिनेरियो, वहां से हैंडल निकालेंगे एक और प्लेयर की लोकेशन, तीन प्लेयर निकाल चुके हैं यहाँ पे, लास्ट प्लेयर फीनिक्स बचे हैं, फीनिक्स जो कि मिड से रोटेट कर रहे हैं एंड रेज would be landing the final blow.
पैकर्स बहुत आसानी से, बहुत ही यू नो मस्त तरीके से अराउंड अपने नाम करके जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो मैं यू नो मैं चेयर अपने होल्ड करके बैठा हूँ यार। पैकर टीम काफी डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है फिलहाल इस राउंड में डिफेंडर टीम को। अभी फिलहाल अभी स्वैप ऑफ देखने को भी नहीं मिला, अब देखते हैं क्या होता है। देखा जाए 0-4 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है लीड, अभी भी अटैकर की तरफ दिखती हुई नजर आ रही है। डिफेंडर कहीं ना कहीं एक तरह से भूल कर रही है, कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है उनको, हो सकता है अभी मैचेस सुधारने पड़े। बट साइफर अपना जो एबिलिटी है, जो ट्रैप और जो एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यहाँ से एनिमी टीम आए उसको ट्रैप कर ले, उनको फंसा के रखे। लेट्स सी, देखते हैं सामने की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। अभी भी देखा जाए फ्लैश करेंगे लेकिन काफी ओपन इलाके में और ऊपर की तरफ देखा को फाइनली फिनिश ऑफ किया जाएगा। ये आफ्टर होल्ड करना मुश्किल होता है क्योंकि ना आप अगर पीछे की तरफ रहते हो कवर लेने की कोशिश करते हो, जो आपके पास वहाँ अगर मैं बात करूँ जो आपका वॉल लगा हुआ है जो वुडन वॉल है उसकी तरफ उसकी आर पार भी गोलियाँ लगती हैं, कहीं ना कहीं आपको डैमेज पहुँच जाता है। तो एयर आफ्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है होल्ड करना, या तो फिर आप कोशिश कर सकते हो ऑपरेटर या फिर मार्शल के थ्रो आप हल्की सी पिक लो पीछे की तरफ जाओ, वो एक बेहतर आइडिया हो सकता था। बट काफ़ी ओपन थे एंड फाइनली उनको फिनिश ऑफ किया गया फिफ्थ राउंड इन द हैंड ऑफ। या बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करें हमारे जो अटैकर्स हैं वो बार बार ए पे सफलता हासिल कर रहे हैं एंड अभी तक मैं यू नो जब आपके ऊपर तीन राउंड से आप देख रहे हो कि अटैकर्स जो हैं वो ए की तरफ ही आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप एक कोशिश कर सकते हो कि आप ए पे थोड़े से यू नो जो मात्रा है प्लेयर्स की, जो डिफेंडर्स की मात्रा है उसे बढ़ा दो। बट मीन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। बी साइड की तरफ आई थिंक रेज एंट्री लेने का प्रयास जरूर कर रही है, बी साइड पे तीन प्लेयर्स हैं। मीनवाइल जेट वहां से पीछे से रोटेट करती नजर आएगी बेस साइड से एंड मीनवाइल पहला किल पिक ऑफ किया जाएगा ओमेन की तरफ से। मीनवाइल फुकू वहां पे उनको पिक ऑफ करेंगे, यहां पे देख सकते हैं साइकिल का काफी अच्छा इस्तेमाल अपने ट्रैप फायर का, वहां पे फिनिक्स को ट्रैप किया उनको पिक ऑफ किया जाएगा। द लास्ट सिनेरियो फॉर द टीम अभी के लिए जो सिनेरियो बना है काफी अच्छा बना है और यहां पे आई थिंक बी का वापस से कंट्रोल लेना चाहते हैं। मीनवाइल यहां पे ब्रिम अपने लिए एक और किल निकालेंगे, लास्ट प्लेयर यहां पे आई थिंक बचने वाले हैं जेट और मेरे हिसाब से टीम डिफेंडर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है एंड यहां पे आई थिंक जेट एक प्लेयर को पिक ऑफ करेंगे। बट मीनवाइल ब्रिक्स इसी बात का फायदा उठाएंगे एंड इनको पनिश ऑफ करके छठा राउंड अपने नाम करते नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ मैं बात करूँ यहाँ पे डिफेंडर की तरफ चलते हैं जिनके पास सबके पास अल्टीमेट एबिलिटीज आ चुकी है लेकिन इस्तेमाल अभी तक देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ फिनिक्स की बात करूँ, क्या यहाँ पे फिनिक्स अपना क्लोन यूज़ कर पाएंगे जो कि अल्टीमेट से होता है, जो कि हम कहते हैं रन इट बैक, क्या अपना रन इट बैक का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। ओमेन की बात करूँ, ओमेन जो अपना टेलीपोर्ट करते हैं टेलीपोर्ट का कैसा इस्तेमाल करेंगे यू नो, लेकिन फाइनली यहाँ पे साइफर ने अपना स्पाइक दिया सेज को क्योंकि यू नो सेंटिनल काफी बेहतर होता है स्पाइक प्लांट करने में, उनको दिया उनको पता था कि जिम्मेदारियां क्या है एंड फाइनली अपना स्पाइक कैम लगाते हुए मिड एरिया में। स्पाइक कैम का काफी बेनिफिट है अगर प्लेयर्स आते हैं आराम से आप इसको साइफर आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक डार्ट छोड़ा जाता है जिससे प्लेयर की पूरी लोकेशन पूरी पोजीशन रिवील आउट हो जाती है। लाइटिंग है आसिस देखा जाए क्या करता है मिड एरिया से जाते हुए एटी की तरफ पड़ते हुए नजर आ रहा है और मिड कैटवॉक से काफी पानी देना बैक टू बैक यहाँ पे दो किल निकाल चुके हैं। नाउ इट्स फाइव वर्सेस टू सिचुएशन एंड फाइनली यहाँ पे जेट को भी फिनिश ऑफ किया गया लेकिन ब्रेमस्टोन भी इधर से फिनिश ऑफ हो चुके हैं। इस फोर वर्सेस वन सिचुएशन फाइनली ओमेन को बहुत ही बेहतरीन आराम से यहाँ पे फुकू ने लिया एंड साथ ही साथ सेवन राउंड्स यहाँ पे ले चुकी है। अभी भी 5 राउंड्स बचे हुए स्वैप ऑफ में, देखते हैं क्या डिफेंडर टीम अपनी तरफ एक भी राउंड एक भी पॉइंट ले पाएगी या नहीं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे डोमिनेशन बढ़ चुका है अटैकर टीम का, अगर कंटिन्यूस 12 पॉइंट ले जाती है तब तो ये मैच को वापस कम बैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है फिलहाल डिफेंडर टीम के लिए। लाइक डिफेंडर्स के पास जो एडवांटेज रहता है शुरुआती दाव में वो काफी ज्यादा रहता है, अगर आपके पास डिफेंडिंग साइट आ रही है आपके पास पीकर्स एडवांटेज आ रहा है, बट अगर आप उसको अप टू द मार्क यूज नहीं कर पा रहे हो आपको बाद में दिक्कतें होंगी, जब यहाँ पे स्वैप होगा तब उफ्ताब ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आपको और अच्छे तरीके से यूनो पनिश ऑफ करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग एडवांटेज है यार ये। अगर आपको पता है कि प्लेयर्स ने आना इन दो साइड में से किसी एक साइड पे एंड आप वहीं पे हो तो आपको हेल्प ज्यादा मिलेगी, ऑब्वियसली पीकर्स एडवांटेज आपके पास ज्यादा रहेगा। और अभी के लिए अटैकर्स जब घुस रहे हैं तो देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से काफी एग्रेशन से घुस रहे हैं, दिमाग भी यूज कर रहे हैं और अपना एग्रेशन दोनों
साथ यूज करें। मीनवाइल यहां पे सेज आई थिंक अपना वॉल देगी, लेफ्ट हैंड साइड ब्लॉक करेगा। मीनवाइल रीच अपने फ्लैश का परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। मीनवाइल फीनिक्स अपनी अल्टीमेट यूज करके सेज को पिक ऑफ जरूर कर लेंगे। अभी के लिए आई थिंक फीनिक्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, ब्रीच उनको पिक ऑफ करेंगे। मीनवाइल डिफेंडिंग के जो हमारे वुमेन है वो अपना टेलीपोर्ट करके अपने अल्टीमेट यूज करके आ चुके हैं। द मेन टीपी इज बीइंग यूज्ड बाय हिम। मीनवाइल अभी ब्रीच की अल्टी देखे तो वो भी आ चुकी है। अभी के लिए स्टन करना चाहेंगे सामने वाले प्लेयर्स की तरफ, उनको थोड़ा सा देर रुकना चाहेंगे बिकॉज अभी आप प्लांट कर चुके हो, आपको सिर्फ जो करना है वो होल्ड करना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लास्ट प्लेयर आई थिंक यहाँ पे बसते नजर आने वाले टेस्ट गन अभी द ओमेन, एंड ओमेन सामने वाली तरफ है मेनली, रेज को पिक ऑफ कर सकते हैं बट रेज 14 एचपी पे उनको बार करेंगी एंड अपने गेम में एक जगह बनाती हूं उनको नजर आएंगी। जी हां बिल्कुल, एंड फाइनली रेज को पता था कि मैं ये राउंड आराम से निकाल सकते हैं, 8वां राउंड भी निकाल सकते हैं, इसलिए देखा जाए तो अपनी एबिलिटी को बचाया, जो इस सॉलिड स्टॉपर वाली जो इनकी अल्टीमेट एबिलिटी है उसको बचाते हुए। अब देखते हैं इस राउंड में इस्तेमाल कर पाती है या नहीं, वो देखने वाली बात है। फाइनली आई थिंक सेज को फिर से स्पाइक दिया जाएगा। साइफर के पास स्पाइक है, अगर मैं बात करूँ साइफर हमेशा अपने स्पाइक जो है इसको देते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे स्पाइक दे चुके हैं। लेट्स सी देखते हैं हैकिंग कैसे करते हैं। फिलहाल रनिंग बैक का पहला थोड़ा सा ट्रेड ऑफ देखने को मिला शुरुआती तौर पे, इस बार देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी भी ए लॉबी जाने की कोशिश की जा रही है, हैकिंग आगे की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ए साइड पर घुसी जाए। यू नो ए साइड काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, अगर आप उस साइड पर कंट्रोल आ चुका है आपका तो आराम से आप अंदर की तरफ जाकर प्लान कर सकते हो। लेकिन ब्रिज अपना फ्लैट पार्टी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने प्लेयर को भी थोड़ा सा क्लैश करते हुए नजर आए। पूरा कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है अटैकर की टीम, जैसे देखते क्या कर पाते हैं, जाएंगे प्लान करना पसंद करेंगे। बैक टू बैक एक ऑल राउंड अटैकर टीम लेके जाती हुई, ये काफी शानदार मैच देखने को मिला इस वाले राउंड में। यू नो इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, इनको पता था कि ए के साइड में सारे प्लेयर्स हैं एंड वो स्प्लिट आउट है, वो ए विंडो की तरफ है, कुछ ए राफ्टर की तरफ है एंड साथ ही साथ थोड़ा सा ए ट्री की तरफ है, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे अटैकर टीम लेकर जाती है। मिड कॉटेयर से जाती है, मिड कैटवॉक से जाती है, आराम से वहाँ पे अटैक किया, काफी चारों तरफ से वहाँ पे गिरते हुए डिफेंडर टीम को फिनिश ऑफ करके 9 राउंड अपने हाथ में लेकर जाती हुई अटैकर टीम। या बट अगर आप नोटिस करें इनकी इकोनॉमिकल स्ट्राइक की तरफ तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब नजर आने वाली है उनको डिफेंडर्स की। अब अगर अभी के लिए एक राउंड भी नहीं जीतते हैं तो बहुत मुश्किल होंगी जब स्वैप होगा। मीनवाइल आई थिंक अभी देख सकते हैं कितना बड़ा चकमा यहाँ पे दिया गया है बाय द अटैकर्स। अब की बार सारे के सारे जो डिफेंडर्स थे सारे ए पहुंच चुके थे, बट अब की बार ये लोग बी आए हैं एंड आई थिंक बहुत अच्छा गेम सेंस यहाँ पे यूज किया गया है इनके द्वारा। मीनवाइल अपनी सावधानी पर जरूर रहे हैं हमारे अटैकर्स एंड एक भी गलती नहीं करना चाहते कि सामने कोई प्लेयर है या फिर नहीं, बट मीनवाइल यहाँ पे क्लियर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्लैश अपने सब चीज का यूज किया जा रहा है, ब्लास्टिंग का भी यूज करने वाले हैं, बट अभी के लिए डिफेंडर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। मीनवाइल सेज ने पहला किल पुल आउट जरूर किया ऑन द वुमेन एंड आई थिंक बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो है ही बट अपने टीम के लिए भरपूर काम कर रही है। मीनवाइल शिशुपाल बहुत अच्छी तरीके से वहां पे अपनी फाइनल के साथ कंप्लीट करेंगे। लास्ट प्लेयर दैट्स गोना बी सोवा वुड बी रिमेनिंग ऑन अ टीम डिफेंडर्स एंड आई थिंक टीम डिफेंडर्स आर इन अ ह्यूज ट्रबल। जी हाँ बिल्कुल, प्रथम की बात करें अकेले बच्चे वो भी यहाँ पे 50 HP बहुत माय गॉड साइफर फिनिश ऑफ करेंगे यहाँ पे अटैकर टीम की तरफ जाता हुआ, ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर दिया गया यहाँ पे अटैकर टीम का। 2 राउंड्स और बचे हुए यहाँ पे स्वैप ऑफ होने के लिए, आप देखते हैं कि कैसे क्या कर पाती है डिफेंडर टीम। यू नो चांसेस अब बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पे डिफेंडर टीम को कि वो फिर से कम बैक करें आगे की तरफ, ये अटैकर टीम को रोकने की कोशिश करें। फिलहाल अभी भी उम्मीदें बची हुई हैं, जब तक उम्मीदें हैं तब तक आप लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं ब्रिमस्टोन अपने स्काई स्मोक का इस्तेमाल करके जो एरिया होते हैं मिड ज़्यादा देखा जाए तो मिड मार्केट को ब्लॉक करते हुए नजर आते हैं, जो मिड पिज्ज़ा वाला इलाका है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे जो मिड कैटवॉक वाला जो इलाका है जो लिंक्स है वहाँ पे ब्लॉक कोशिश किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन एरर्स को फिनिश ऑफ किया जाएगा। शिशुपाल की तरफ चलते हैं, अपने फ्लैश पॉइंट का बफ को भी अपना इस्तेमाल करते हुए यू नो सेज को देखते हैं, सेज अपने बैरियर ऑफ का जो इस्तेमाल कर रही है वो काफी शानदार है। यू नो उनको पता है कि वो हाइट एडवांटेज दे सकती है ऊपर की तरफ से, जहां की प्लेयर को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सेज यहां से भी देख सकते हैं, उसका यहां पे बैरियर ऑफ बहुत ही शानदार इस्तेमाल कर रही है। मिड मार्केट की तरफ प्लांट करने जाएंगी, बी साइड की तरफ आई थिंक यहाँ पे प्लांट कर दिया जाएगा। ओके आई थिंक यहाँ पे स्पाइक ब्रिमस्टोन के पास है, ब्रिमस्टोन अब प्लांट करना पसंद करेंगे, स्लो का इस्तेमाल कर जाएगी, सामने वाले प्लेयर को कुछ हद तक कुछ समय तक रोकने का प्रयास किया जाए। अब जब स्लो
आपका इस्तेमाल करते हो, सामने वाला प्लेयर काफी स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो स्टीम बीकन का भी इस्तेमाल किया गया ब्रीम के द्वारा। यू नो आप स्टीम बीकन इस्तेमाल करते हो थोड़ा सा आपका जो मूवमेंट है वो काफी फास्ट हो जाता है, सामने वाले टीम के आपको अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको मारना मुश्किल हो सकता है अगर आपको मूवमेंट फास्ट हो जाए। वो यहाँ पे बीकन स्टीम का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं अटैकर टीम। अगर अटैकर टीम की अगर मैं बात करूँ जो एबिलिटी है बहुत शानदार, यहाँ पे हैकिंग का स्प्रे देखने को मिला हेड पे कनेक्ट करते हुए, साथ ही साथ देखा जाए वन मोर प्लेयर एंड फाइनली अटैक ऑन और 11 राउंड बैक टू बैक जीती हुई नजर आई यहाँ पे अटैकर टीम। एंड यू नो इट्स 0-11, अब चांसेस बहुत कम हो चुका है यहाँ पे क्राइसिस की। यहाँ से डिफेंडर टीम अपने आप को ऊपर लेकर आए कम बैक करे, क्योंकि अटैकर टीम को बीट करना अब आसान नहीं है। लाइक अटैकर्स आर गोइंग रियली रियली गुड एंड बहुत अच्छी तरीके से मुझे नजर आ रहे हैं अटैकर्स के प्लेयर्स, एंड जिस तरीके से सामने वाले प्लेयर्स के साथ दिमाग से खेल रहे हैं ना, दैट्स गोना बी ऑन अनदर लेवल। जब वो लोग सारे ए पे आते हैं तो ये लोग बी जाते हैं, अब बी स्प्लिट खेल रहे हैं वो लोग तो ये लोग ए आ रहे हैं, तो आई थिंक दे आर रियली रियली गुड एट देयर गेम सेंस। इनका जो IGL है दैट्स गोना बी रियली गुड। और आई थिंक अभी डीबी की बात करूं तो यहां पे बकी के साथ आई थिंक वेट करते नजर आ रहे थे, बी साइड पे थोड़ा सा एग्रेसिव पीक देने का भी प्रयास किया, बट मीनवाइल आई थिंक अगर मैं ए साइड की तरफ चलना चाहूं मैक्सी तो वहां पे आई थिंक अगर आप नोटिस करें तो सारे प्लेयर्स वहां पे ऑलरेडी पिचिंग कर चुके हैं। एंड यहां पे रेज के धोनी काफी ज्यादा पटेटो के अपनी बुलेट स्टार्टिंग में 40 HP पे आखिरी सांसें जरूर गिन रहे, मीनवाइल इनकी टीम में सेज भी नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। एंड फुक्कुर वहां पे आई थिंक बट राउंड जीतने के काफी मुश्किल इनके आसार लग रहे हैं क्योंकि HP बहुत कम है भाई। दो गोली बची है, एक गोली आपको गेम से बाहर करेगी। लास्ट प्लेयर रहेगा 30 HP आखिरी सांसे गिनती हुई, आई थिंक एक शॉटगन रहेगी जो कि क्लोज रेंज वेपन है, आई थिंक इनको यहां पे आई थिंक सेव भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुश करना चाहिए बिकॉज अभी इनके पास कोई और मौका नहीं है। फाइनली यहाँ पे दो को टॉवर किया गया था और उसकी वजह से रैना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। यू विल नॉट किल माय अलाय। फाइनली यहाँ पे इट्स 12 राउंड और स्वैप अप हो चुका है, नाउ दिस इज द पिस्टल राउंड। जो पहले अटैकर टीम थी अब वो डिफेंडर हो चुकी है, जो डिफेंडर थी वो हो चुके अटैकर। यू नो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिट्रो की टीम थी जो कि उस्ताद गेमिंग की टीम है और उस्ताद गेमर्स की जो टीम है बहुत ज़्यादा लीड ले चुके हैं लास्ट राउंड रिमेनिंग। अब इतने आगे तक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो अभी अटैकर टीम है आप डिफेंड नहीं कर पाए तो शायद आपको प्रॉब्लम होगा ये लास्ट राउंड लेने में भी। आपको अटैक करना है, अगर आपका स्पाइक डाउन हो जाता है आपको वापस उठाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, और अगर आपका स्पाइक डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लेयर का डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं डिफेंडर टीम आ चुकी है अपने बी साइड पे, इंतजार किया जा रहा है, लेट्स सी देखते हैं क्या कर पाते। फिलहाल बी मैन की तरफ से आने की कोशिश करेंगे प्लेयर, यू नो तीन प्लेयर थे, दो प्लेयर पूरा रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी चालू हो चुकी है इस पिस्टल राउंड, क्या लगता है इस पिस्टल राउंड में ये उस्ताद गेमर्स निकाल के जाएगी, क्योंकि रेट्रो की देख सकते हैं जो इनकी एबिलिटी है जो बेसिक एबिलिटी में बात करो सारा था, लेकिन फिर उसकी तरह से थोड़ा सा फ्लैश किया जाएगा। कब बॉल का इस्तेमाल काफी शानदार, लेकिन रेजी पीछे से कवर दे इस्तेमाल करते हुए नजर आए, लेकिन जेट यहाँ पे काफी हो चुके हैं, सामने रेट्रो जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पे रेट्रो 1 मिनट एंड फाइनली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया एक और प्लेयर को। नाउ Overseas one round and क्या यहाँ पे finish off करके defender team लेकर जाएगी उस्ताद के वक्त यहाँ पे जीत के जाती हुई 13-0 से। काफी शानदार round देखने को मिला, काफी ज्यादा dominate किया यहाँ पे उस्ताद gamers ने रेज स्पोर्ट को। मुझे लगा था कि वो comeback कर लेंगे, उनके पास बहुत सारे अच्छे चांसेस मिले थे कि आप डिफेंड करते, लेकिन जो उनके मेरे अब सिनर्जी मिलनी बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिनर्जी की कमी देखने को मिले डिफेंडर टीम से जो कि रेज स्पोर्ट्स थी। या लाइक बहुत मुश्किलों में डाला इनको फिलहाल के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ
रेज ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की, तो बहुत मुश्किलों में स्टार्टिंग शुरुआती दौर में डाला. उसके बाद अगर आप बात करें कमबैक की, तो बहुत मुश्किल हो गया था भाई, क्योंकि आप ऑलरेडी 12 राउंड जीत चुके हो, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, मतलब ही नहीं कि आप कमबैक कर लो. बट कोशिश काफी अच्छी करी. एंड सबसे ज्यादा मैं अपना यू नो एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उस्ताद ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को, उस्ताद गेमर्स को, कि इतना अच्छा गेम प्ले आपने निकाला. और अगर आपने नोटिस किया होगा, हमको पिछले दो दिन से लगातार 13-0 देखने को मिल रहा है. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. चलते हैं जरा फुकू की तरफ. ओ माय गॉड, टॉप ट्रैकर अपनी टीम की तरफ से. यहाँ पे अगर हम बात करें उस्ताद गेमर की तरफ से, 22 किल्स, 4 डेथ एंड 3 असिस्ट. अगर मैं बात करूँ प्लांट की, एक बार प्लांट किया है, डिफ्यूज एक बार भी नहीं किया, फर्स्ट ब्लड दो बार निकाला है. लेट चलते हैं जरा लाइटनिंग आसिस की तरफ. अगर मैं बात करूँ एवरेज कॉम्बैट स्कोर की तरफ, चलते हैं एवरेज कॉम्बैट स्कोर की बात करूँ 325. किल की बात करें 15 किल्स एंड 4 डेथ एंड असिस्ट 5 है. इकोन रेटिंग काफ़ी इनका भी शानदार है, 135. साथ चलते हैं फर्स्ट ब्लड की तरफ, तो आई थिंक सबसे शानदार, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा फर्स्ट ब्लड यहां पे देखने को मिला है लाइटनिंग आसिस की तरफ से. 5 टाइम फर्स्ट ब्लड यहां पे निकाला इन्होंने. प्लांट की बात करें, 0 प्लांट एंड डिफ्यूज 0. चलते हैं जरा एक बार डिफेंडर टीम की तरफ. देखिए यहां पे आप देख सकते हो, बिल्कुल जो डिफेंडर टीम की तरफ से जो आपकी कमियां जो देखने की बात, अगर जो आप कह रहे हो ना, वो कमी की तरफ चलते हैं. जैसे कि किल्स में थोड़े से पीछे रहे, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इकॉन रेटिंग बहुत कम रहा. अब जितनी बार हारोगे अब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन उतना लो करते जाते हो, ये चीज़ आपको भी पता है. क्योंकि अगर आपको अच्छी फाइट लेनी हो अच्छे गन्स के साथ, आपको कहीं ना कहीं 1-2 राउंड जीतने पड़ेंगे. और इकॉन रेटिंग के कमी होने के कारण काफ़ी डोमिनेट किए गए अटैकर टीम के द्वारा. साथ ही साथ चलते हैं फर्स्ट ब्लड एक बार निकाला, प्लांट की तरफ से 0 एंड डिफ्यूजेज 0. So, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ. मैक्सी मिलते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक के लिए गुड बाय. आप भी थोड़ा सा यू नो चिल करके आइए. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक के लिए गुड बाय. जी हाँ बिल्कुल. World of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Just wanna
carry lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pocket. Counting like the four leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sheep. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old.
हेलो एवरीवन, और आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है इस इंडिया टुडे वैलोरेंट कप में, पावर्ड बाय डब्ल्यूडी ब्लैक एंड प्रेजेंटेड बाय लेस गेम नाउ, यानी कि डब्ल्यूडी ब्लैक वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक एक एसएसडी है एनवीएमई, एंड साथ ही साथ बताऊं इसके 3 से 4 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो यानी कि चलते हैं, जरा बात करते हैं डब्ल्यूडी के पूरे एसएसडी एनवीएमई का। डब्ल्यूडी ब्लू जो कि SN550 एनवीएमई एसएसडी है, साथ ही साथ चलते हैं ब्लैक की तरफ जो कि अपग्रेडेड वर्जन है ब्लू का, SN750 एनवीएमई एसएसडी। WD Black SN750 जो कि दो इसमें आता है, दो फॉर्मेट में आता है, जिस पे हीट सिंक लगी रहती है SN750 NVMe। तो चलते इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। बात करें कैपेसिटी, तीनों की कैपेसिटी एक ही है, 250 GB 500 GB साथ ही साथ 1 TB, लेकिन 750 में 2 TB के भी आते हैं, साथ ही साथ हीट सिंक जिस पर है SN750 NVMe पे ब्लैक का, उस पर भी 2 TB के आते हैं। साथ ही साथ इंटरफेस की तरफ चलते हैं, इंटरफेस आपको हम तीनों में बिल्कुल PCIe Gen 3, एंड साथ ही साथ चलते हैं फॉर्म फैक्टर की तरफ M.2 2280, तीनों का सेम है। सिक्वेंशियल रीड इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि अगर मैं ब्लू की बात करूँ SN550 NVMe SSD की, तो 2400 MB/s का मिलेगा। वहीं हम 750 की तरफ चलते हैं तो 3470 MB/s, और राइट की बात करूँ तो 1950 MB/s इन डब्ल्यूडी ब्लू SN550 NVMe SSD। साथ ही साथ WD Black SN750 NVMe SSD के sequential write की मैं बात करूं 3000 MB/s, तो बहुत ही fastest SSD है guys NVMe का, WD Black SSD NVMe। अगर मैं बात करूं इसका, तो you know, अगर आप अपना OS इंस्टॉल कर रहे हो, साथ ही साथ अपने PC को रिस्टार्ट कर रहे हो, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एक और चीज बेनिफिट देता है, अगर आप गेमर हो तो इसका परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, बहुत जल्दी आपके गेम रिस्टार्ट हो जाते हैं क्रैकी। अगर आपका गेम बीच में लैग हो गया, क्रैश कर गया, आप वापस ऑन करते हो, तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसका। चलते हैं जरा टूर्नामेंट की तरफ, एक बार नज़र डालते हैं टूर्नामेंट की तरफ। तो टूर्नामेंट का जो मैं ओवरऑल प्राइस पूल की बात करूँ, इस 2 लाख डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्राइस 1 लाख रुपीज, सेकंड प्राइस 40,000, थर्ड प्राइस 25,000, फोर्थ प्राइस 15,000, एंड ग्रुप ए पोजिशन थर्ड 10,000 दिया जाएगा, जो ग्रुप ए का थर्ड पोजिशन पे होगा, ग्रुप बी थर्ड पोजिशन 10,000 रुपीज़। तो देखते हैं, आज राउंड 3 चल रहा है, यहाँ से टोटल 64 टीम क्वालिफाई होगी, उसके बाद राउंड 4, राउंड 5 एंड राउंड 6 भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं जरा गेम की तरफ। तो गेम यहां पे देखा जाए तो जिस मैदानी जंग में आ चुके हैं खिलाड़ी, चलते हैं खिलाड़ियों की तरफ भी। आज 2 टीमें यहां पे खेलने वाली है, वो भी हेवन के मैप पर, यानी ना 3 साइट होगी क्रैकी, ए बी एंड सी। पहली बार यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीम बिल्कुल हेवन लेना पसंद नहीं करती है, लेकिन देखते हैं। बात करते हैं यहाँ पे टीमों की, टीम एसेंट वर्सेस गंजेड़ी जनता, देखते हैं। टीम एसेंट की बात करूँ, अटैकर चुना है, वहीं गंजेड़ी जनता की मैं बात करूँ, उन्होंने डिफेंडर साइड चूज किया है। चलते हैं जरा इसी दफा मैप की अगर एक बार बात करते हैं, एक बार ले चलते हैं आप सभी को लॉबी में भी, और मैप का भी जिक्र वहीं किया जाएगा। तो बात करें हेवन के मैप का, तो जी आपको भी पता है क्रैकी की 3 साइट होते हैं, जहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ ए बी एंड सी। और अगर मैं इस मैप की बात करूँ ना, तो अटैकर ये एक ऐसा मैप है जहाँ पे कि और भी इसके टोटल 3 मैप और बचे हैं, उन तीनों के अगर आप साथ कंपेयर करो ना, तो यहाँ पे अटैकर डिफेंडर जो विन रेट परसेंटेज है बिल्कुल क्लोज टू 50% है। तो देखते हैं क्या होता है, कौन सी टीम बेनिफिट लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी यू नो 3 साइट होल्ड करना डिफेंडर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वहीं अटैकर थोड़ा सा धोखा दे के, थोड़ा सा चकमा दे करके या तो ए की तरफ जा सकती है, बी भी ऑप्शन है उनके पास, सी भी ऑप्शन है। तो चलते हैं मैच की तरफ, ले सी एंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहने वाला है गाइस आगे की तरफ। बट अगर मैच से आपको बात पता हो, बी और बी साइड पे अगर आप चाहते हैं तो आपको दो तरफ पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। ए और सी पे जितने भी प्लेयर्स रहेंगे वो जल्दी से आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, बट मीनवाइल अगर आप ए जाते हैं तो आपकी तरफ सी से जो एनिमीज आएंगे वो थोड़ा सा टाइम लेकर के आएंगे। एंड मेरे हिसाब से हेवन एक परफेक्ट मैप अटैकिंग के लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, आपने इस चीज़ सही कही, बट यू नो फोर सी सी लॉन्ग रहता है, वहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होता है पुश करना, यू नो डिफेंडर टीम अगर ऑलरेडी ऑप लेके बैठी हुई है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अटैकर टू पुश, बिकॉज सी लॉन्ग से वहाँ पे ऑप चलाना, एंगल लेना बहुत ही आसान है। साथ ही साथ मैं बात करूँ, मुझे जहाँ तक लगता है क्रैकी, बी इज इजी फॉर द प्लांटिंग, स्पाइक्स वहाँ पे बहुत आसानी से हो जाता है, या फिर अगर आप मिड अगर आपके पास कंट्रोल है तो आप बी पे आराम से जा सकते हो, थोड़ा सा एरिया जो है थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिल सकता है इन कंपेरिजन ऑफ ए एंड सी।
बिल्कुल, बट अगर मैं ए साइड की बात करूं तो ए साइड पहुंचना और ए साइड पे प्लांट करके उस जगह को होल्ड करना काफी आसान पड़ता है। आपके पास सीवर का एडवांटेज मिल जाता है, आप सीवर से सीधा पोशन कर सकते हो या फिर एलोंग से जा सकते हो, चाहे कोई ऑपर पे बैठा हो आप उसको भी पिक ऑफ करने के पूरा पूरा प्रयास कर सकते हो। हाँ जी हाँ, आपने ये बात भी सही कही है। साथ ही साथ ए का एक और बेनिफिट मिलता है जो ए राफ्टर है ऊपर की तरफ, जो हम कह सकते हैं ए टावर की हम बोल सकते हैं। ए टावर पे चूज योर एजेंट एंड फाइनली आई थिंक यहाँ पे एजेंट चूज नहीं किया गया, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ओके तो गाइस ये इनका शायद यहाँ पे जो टाइम था वो फिनिश ऑफ हो चुका है, लेट्स सी देखते हैं कब तक यहाँ पे चूज किया जाएगा एंड क्या यहाँ पे लॉबी रिस्टार्ट करनी पड़ेगी या फिर क्या, वो देखने वाली बात होगी। बट आई थिंक मैच स्टार्ट नहीं होगा एंड आई थिंक हमें लॉबी की तरफ ही जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक हमें लॉबी की तरफ जाने पर लिटिल बिट कुछ थोड़ी सी इशूज हो चुकी होगी प्लेयर्स के बीच। आई थिंक डिसाइड नहीं कर पाए होंगे कि कौन सा यहाँ पे एजेंट लेना। यू नो एजेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस गेम के अंदर। चलते हैं जरा अटैकर एंड डिफेंडर के पूरे एजेंट की बात करते हैं। तो डिफेंडर की तरफ देख सकते हैं ब्रिज, साइफो, रेज, रेना एंड ओमेन। बिल्कुल देखा जाए तो एजेंट्स मिलते जुलते हैं, बस एक चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, सोवा है एंड साथ ही साथ सेज देखने को मिल रही है अटैकर के साइड से। या लाइक अगर आप बात करें गंजेड़ी जनता की तो साइफर का इस्तेमाल काफी बढ़िया रहेगा बिकॉज साइफर एक साइट कंप्लीटली होल्ड कर सकता है एंड यहाँ पे आपको काफी एडवांटेज मिलता है उस चीज का। हाँ जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर मैं सेज की बात करूँ तो सेज के पास थोड़ा सा हीलिंग पावर है, उनके पास वो हील कर सकती हैं, तो अटैकर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा क्योंकि वो अटैक उनको करना है। अगर आपको आपका हेल्थ अगर 50% डाउन हो गया तो सीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज सीज सैंडनल और अटैक एट द टाइम ऑफ अटैकिंग सैंडनल का बहुत बेहतरीन रोल होता है, तो हीलिंग में भी रहेगा। चलते हैं जरा अब हम आई थिंक यहाँ पे ए साइड प्रेफर किया है अटैकर टीम में, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है पूरी टीम में। देखा जाए तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था क्रैकी की, बेनिफिट यहाँ पे अटैकर को 50-50 चांसेस होते हैं, यू नो 50-50% अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अगर चांसेस है तो आप कोशिश करो कि अपने तरफ कुछ ना कुछ खींचने का। बट अगर आप मैक्सी नोटिस करें ना यहाँ पे डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर एक साइड पे हार्ड पुश आ रहा है। अगर मान लो ए साइड पे जैसे अभी हमने देखा कि हार्ड पुश आया तो प्लेयर्स के लिए यू नो थोड़ा सा संभालना उस सिनेरियो को मुश्किल होता है। और रेज का अगर आपने नेट देखा ना, क्या परफेक्ट नेट हमको देखने को मिला था रेज की तरफ से जिन्होंने पहला खेल अपने लिए ऑफ किया था। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ पेंट सेल्स की हम बात कर रहे थे, पेंट सेल्स बहुत ही खतरनाक उसकी एबिलिटी है रेस की, इसलिए यू नो वो ड्यूलिस्ट में आती है, अटैकर में आती है। आप जब भी अटैक करो आप अपने बूमबॉट का इस्तेमाल कर सकते हो ना, आपका बूमबॉट अगर प्लेयर ब्रस्ट नहीं करते हैं तो एक बार में आपको डैमेज फिनिश ऑफ कर सकता है और उस चीज़ का रेज को काफ़ी बेनिफिट होता है। और उन्होंने बखूबी रेज का काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल किया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मैं डिफेंडर टीम की बात करूँगा तो अपनी जो बेसिक एबिलिटीज थी वो अगर इस्तेमाल करते तो हो सकता था बेनिफिट, लेकिन एक चीज आप क्रैकी देख रहे हो इन्होंने सी अभी भी प्रेफर नहीं किया। आई थिंक यहाँ से रेज आना पसंद करेंगे सी की तरफ, बट दिस इज द इकोनॉमिकल फाइट फॉर द अटैकर डिफेंडर टीम। अभी भी इकोनॉमिकल फाइट रेज आ चुकी है, पता चल चुका है स्पाइक कैम से शायद आई थिंक हो सकता था थोड़ा ओपन आती तो पता चल जाता, बट वापस जाती हुई रेज और थोड़ा सा साइफर को इंतजार करना था। वापस एक देखा जाए तो एक फ्लैंक ए साइड की तरफ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर डिफेंडर की तरफ से ये एक गलती, थोड़ा सा लेट रोटेशन दिया, एडिक्टेड को फिनिश ऑफ किया गया, ब्रिज यहाँ से फिनिश ऑफ हो चुके हैं। देखा जाए तो गंजेड़ी को यासी का अपना परफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए क्या इसे डैमेज दे पाएंगे या नहीं, बैक टू बैक तीन प्लेयर डाउन कर दिए गए हैं, साथ ही साथ 2-5 ये थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है डिफेंडर टीम को। बट बहुत सारा यहाँ पे फोसीफर की तरफ से गंजेड़ी आसिक को फिनिश ऑफ किया गया, तो ना आसिक की तरफ से अपनी यहाँ पे आसिक पंथी कम दिखती हुई नजर आ रही है फिलहाल। यहाँ पे डिफेंडर में थोड़ी सी कमी टैप्स आउट देखने को मिला, एक प्लेयर को लेके जा पाए, लेकिन फाइनली यहाँ पे डिफेंडर टीम पूरी वाइप आउट होती है। एक राउंड और अटैकर टीम की तरफ जाता हुआ, यू नो अटैकर टीम कहीं ना कहीं बेनिफिट में दिखती हुई नजर आ रही है क्रैक यहाँ पर। अटैकर्स टीम की तरफ काफी बेनिफिट है क्योंकि पहला राउंड जब ये लोग जीते थे तो उसके बाद इनके पास यू नो हार्ड बाय करने के लिए सम अच्छे इकोनॉमिकल सिनेरियो बन गए थे। बट मीनवाइल अगर आप बात कर रहे हैं इन्होंने जो हार्ड बाय किया सेकंड राउंड में वो काफी बढ़िया था, बट थर्ड राउंड उन्होंने वो देख सकते हैं आप, अगर इन्होंने हार्ड बाय किया था और उसके बाद वो जीते हैं तो इनकी इकोनॉमी परफेक्ट है। बट मीनवाइल
अगर आप नजर डालें डिफेंडर्स की तो उनकी भी इकोनॉमी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा बेकार भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो राउंड हारे हो तो इकोनॉमी थोड़ी सी दिक्कत में जरूर आती है, बट मीनवाइल अभी अटैकर्स बहुत सही लग रहे हैं, इनकी इकोनॉमिकल सिनेरियो बहुत बढ़िया है, एंड आई थिंक यहाँ पे सीजन राउंड निकालने का प्रयास रहेगा जो कि अब ये लोग सी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो पैरानोइया और डार्क कवर का इस्तेमाल करते हुए वो मेलनेसी देखते हैं, अभी भी रेड विंडो की तरफ सेज होल्ड करती हुई नजर आई थी, सेज फाइनली यहाँ पे आई थिंक जी नहीं रैना ही होल्ड कर रही थी, एंड फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया गया कि सी की तरफ प्लांट करते हैं, एंड फिलहाल देखा जाए तो अगर ये राउंड भी हारती है डिपेंडर टीम तो इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, एंड वापस हो सकता है इनको यहाँ पे क्या फैंटम एंड वैंडल यूज करते थे, आपको स्पेक्टर यूज करना एक राउंड डिफेंडर टीम लेके जाते हुए काफी शानदार गेम प्ले, होल्ड करना डिफेंड करना बहुत ही आसान हो जाता है डिफेंडर टीम के लिए, ए एंड मिड लिटिल बिट बी की अगर मैं बात करूं लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफेंडर टीम के लिए, बट सी इज वेरी यू नो एक तरफ से पूरा श्रेय जाता है डिफेंडर टीम के लिए। लाइक अभी डिफेंडर का एक कमबैक काफी अच्छा था, एक करारा जवाब दिया अटैकर टीम को कि वो पहले दो राउंड पिस्टल राउंड और इकोनॉमिकल राउंड थे इसलिए हम नहीं कर पाए, बट अभी तीसरे राउंड में काफी अच्छा जवाब जरूर दिया है, एंड अभी के लिए डिफेंडर्स आर लुकिंग गुड वंस अगेन, एंड अभी आई थिंक डिफेंडर्स एक अच्छा कमबैक कर पाएंगे, बिकॉज हेवन यू नो पार्शियल मैप नहीं है इसमें, आप अगर डिफेंडर्स को एडवांटेज है थोड़ा बहुत और अटैकर्स को भी सेम एडवांटेज है, 50-50 का एडवांटेज रहता है, दैट्स अपॉन द होल स्केल गेम कि अगर आप यहाँ पे किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ते हो, किस तरीके से प्लेयर्स को पिक ऑफ करते हो, डिफेंडर्स स्टार्टिंग में एक प्लेयर को खो चुके हैं, सो ये शुरुआत मेरे हिसाब से उनके लिए अच्छी नहीं रहेगी इस राउंड की। जी हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक मिड की तरफ से ओमेन जाती हुई नजर आ रही है, बी की तरफ तो पहुंचे, बी साइड पे पहुंच चुके हैं, एंड लेट्स सी देखते हैं मेरे ख्याल से हमें बी बैक पे होल्ड किया जाएगा, जी नहीं आगे वापस यहां पे रोटेशन अटैकिंग टीम की तरफ, देखा जाएगा यहां पे बिल्कुल एक रश गेम प्ले देखने को मिला है, खाली यहां पे ओमेन को फिनिश ऑफ किया गया, नाउ मेडिसिन अकेले बचे, क्या अपना मैडिसिन बना दिखा पाएंगे या नहीं देखने वाली बात है, मेडिसिन एकदम अकेले यहां पे बचे हुए और ए टावर की तरफ यानी कि ए राफ्टर की तरफ अभी भी होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल ए रैंप से नीचे जाने की कोशिश करें, बट यू नो लेफ्ट हैंड साइड एक प्लेयर अटैकर का होल्ड करता हुआ, एंड दैट इज राइट, क्या रेज वापस और पलट के क्या अपने रिफ्लेक्सेस दिखा पाएंगे, लेकिन सेज के द्वारा बैरियर और यूज किया गया यहाँ पे अटैकर टीम की तरफ से, यू नो क्रैकी इस चीज का काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप यूज करते हो बैरियर और अगर आप, क्योंकि आपको डिफेंडर टीम को उसको रश करके आगे जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं आप अपना लोकेशन रिवील आउट करते हो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। या लोकेशन कॉम्प्रोमाइज तो जरूर होती है, बट मीनवाइल जब आप उसको मार रहे होते हो आपकी गोलियां भी खत्म होती हैं, एंड उसी बात का अगर फायदा उठा के सामने वाले अटैकर्स टाइम से मूव इन कर जाए तो आपको पिक ऑफ करना उनके लिए काफी आसान रहेगा, एंड यहाँ पे तीसरा राउंड अटैकर्स अपने नाम करके नजर आएंगे जो कि ए साइड पे पुश किया था एंड काफी अच्छे तरीके से इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट भी किया। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो अब इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे रेस का सॉल्स स्टॉपर का क्या वो इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि नो मुझे काफी पसंद आता है इसकी जो एबिलिटी है सॉल्स स्टॉपर, वो मुझे देखना है कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखना चाहता हूँ कि वो ब्लास्ट पैक से जब यूज करते हैं ना, आप ब्लास्ट पैक यूज करते हो आपके पास एक बूस्ट मिलता है, आप ऊपर की तरफ जाते हो एंड आफ्टर दैट अपना सॉल्स स्टॉपर यूज करते हो, जैसे देखते हैं रेस क्या करते हैं। फिलहाल साइफर अपना अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रैप वायर लगाते हुए एज का भी इस्तेमाल कर चुका है, ट्रिगर भी कर दिया गया है, अगर टीम आती है पता चल जाएगा, आई थिंक मिड कंट्रोल बिल्कुल क्रैकी यहाँ पे, मैं अटैकर टीम की अगर बात करूँ ना तो एक अलग ही स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, दो बार ए पर गए उसके बाद फिर एक बार ए पर जाते हैं सी पर जाते हैं फिर उसके बाद बी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी डिफेंडर को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही है कि अटैकर टीम आएगी किधर से, तो अब हमेशा तीन आपके पास साइड है, आप तीनों अलग अलग जाते हो तो बिल्कुल बहुत ही शानदार यहाँ पर आता हुआ सॉफ्ट
बोल्ट एंड फाइनली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। इट्स फोर राउंड इन द हैंड ऑफ अटैकर टीम। एक राउंड जाता हुआ डिफेंडर के पक्ष में, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंडर टीम अभी भी चूक रही है, भूल रही है, उनको बहुत ज्यादा कवर अप करना है। अगर स्वैप अप तक अगर आप कवर अप नहीं कर पाते हो पहले डिफेंडर टीम, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अभी के लिए आई थिंक चार राउंड जो निकाले हैं, सामने थोड़ी सी इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हमको देखने को मिल सकता है, सामने इकोनॉमी की थोड़ी सी दिक्कत भी हमको देखने को मिल सकती है मैक्सी, बट फिलहाल के लिए आई थिंक यहाँ पे अटैकर्स बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज का मेनली यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से पहले कंफ्यूज किया ए साइड की तरफ भी, बी साइड की तरफ भी, और फाइनल में जाके यू नो सी पे पुश इन किया, तो दैट वॉज रियली रियली इनक्रेडिबल एज वेल। बट अभी यहाँ पे मिड पे ए पे जाने का प्रयास रहेगा, नीचे ब्रिज अपनी स्पेक्टर के साथ वेट करते हुए रखेंगे, बट साइफर बहुत बढ़िया तरीके से ब्रिज पिक ऑफ करने वाले हैं एंड ए साइड पे अपना कंट्रोल बनाने का प्रयास रहेगा। मीनवाइल वोमेन भी हमको नजर आने वाले हैं ए साइड पे, यहां पे अपना कैमरा पिट इन करने का प्रयास रहेगा केज के अंदर से। आई थिंक वेट करेंगे किसी के आने का, बट आई थिंक हेवेज पे जाते नजर आएंगे वोमेन एंड लेट्स सी हाउ दीस प्लेयर्स आर गोना मेक देयर वे वंस अगेन, क्योंकि अभी के लिए ए साइड को एक्वायर करना, रीटेक करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा, क्योंकि अभी के लिए इन लोगों ने ऑलरेडी प्लांट करके इस जगह को एक्वायर कर लिया एंड होल्ड कर रहे हैं। बट यहां पे फ्लैश आता हुआ वोमेन का, बट एक वोमेन ने दूसरे वोमेन को पिक ऑफ जरूर किया, जो कि बोल सकते हैं अटैकर ने डिफेंडर को पिक ऑफ किया। यहाँ पे लास्ट प्लेयर साइफर नजर आने वाले हैं फ्रॉम द टीम डिफेंडर, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे रीट्रीट करते नजर ही आएंगे, या फिर अगर यहाँ पे पुशिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से काफी मुश्किल रहेगा उनके लिए क्लच करना। जी हाँ, फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा सा जाना चाहिए पीछे अपने स्पॉन लॉबी की तरफ, वरना हो सकता है दिक्कत है, क्योंकि स्पाइक अब ब्लास्ट होने के कगार पे आ चुका है। यू नो देखो साइफर ने लास्ट में अपने ट्रिगर एक्वायर को वापस ले लिया, उनको पता था कि क्रेडिट बचानी है, एंड यू नो क्रेडिट मैटर्स, यहाँ पे क्रेडिट बहुत मैटर करता है, एंड उस चीज़ का यहाँ पे बहुत ही बखूबी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल एक और चीज़ देख सकते हैं कि ओमेन एंड सेज का अटैकर टीम की तरफ से अभी भी अपनी जो अल्टीमेट एबिलिटी है बचा के रखा गया है। साथ ही साथ उधर भी देख सकते हैं ब्रिज की जो अल्टीमेट एबिलिटी है, एंड साथ ही साथ मैं बात करूँ साइफर की एंड रेना एंड ओमेन की, तो देखते हैं कैसा इस्तेमाल वो कर पाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ रेना की अल्टीमेट एबिलिटी इम्प्रेस, बिल्कुल इम्प्रेस करके जाती है, यू नो आप बैक टू बैक अपने आप को इंटेंजिबल कर सकते हो, एंड साथ ही साथ आप कंटिन्यूअस हील ले सकते हो। अगर आप जितने प्लेयर को मारे हो उसकी कितनी हील बची थी, आप वो अपने आप अपने ऊपर ले सकते हो। बिल्कुल सही बात कही आपने, रेना की अल्टीमेट एक बहुत ही ज्यादा है, आई थिंक उसको नर्व करने की जरूरत भी रहेगी, क्योंकि अगर आप एक प्लेयर को पिकऑफ करते हो उसके बाद आप गायब होने का यू नो अपना ई प्रेस करने का मौका मिलता है। मीनवाइल अगर यहाँ पे देखे सी साइड पे वापस से पुशिंग करने का प्रयास, यहाँ पे पहला किल सोबा निकालेंगे, दूसरा किल उसके बाद निकालते नजर आने वाली है रेस। अभी के लिए अगर आप नजर मारे तो ग्रास की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं ओमेन, प्लांट कर चुके हैं तीन प्लेयर्स अभी आई थिंक डिफेंडिंग की तरफ से बचे हैं, और उनको थोड़ी सी मुश्किल देखनी पड़ेगी। बट मीनवाइल यहाँ पे आई थिंक ओमेन ओमेन ऑफ करने वाले हैं, यहाँ पे अपना ब्लास्टिंग पैक का यूज जरूर किया, अपने सी फोर का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे फ्लॉलेस ले जाती हुई टीम अटैकर्स वंस अगेन नेक्स्ट राउंड ऑन द टीम अटैकर्स वंस अगेन। जी हाँ, बिल्कुल काफी शानदार सिनर्जी बनती हुई अटैकर टीम के साथ, कहीं ना कहीं मेरे को चोक करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर डिफेंडर टीम अभी भी बिल्कुल पांच राउंड पीछे दिखती हुई नजर आ रही है, पांच पॉइंट आगे की तरफ है यहाँ पर देखा जाए अटैकर टीम। अटैकर टीम की मैं बात करूँ तो डैट इज टीम एसेंट, तो टीम एसेंट काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। और वही बात करें सात सेकंड बचे बाइंग पे अपने अपने गन चूज कर लिया, चलते हैं जरा एक बार पूरे टीम स्टैट्स की तरफ। तो 47 की बात करूँ अपने टीम से टॉप रैंकर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, चीज की मैं बात करूँ 11 किल्स अपने टीम की तरफ से, मिड की बात करूँ मिड विंडो की तरफ यहाँ पे गंजेड़ी आसिक आते हुए नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे क्विज ले पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात है, टेक डाउन कर पाएंगे या नहीं अपने बूम बॉल का इस्तेमाल करते हुए। आई नो एग्जैक्टली करते हुए सामने वाले साइफर एंड एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, साथ ही साथ थ्री वर्सेस एंड थ्री का फाइट प्रयास रहेगा साइफर की तरफ से, एंड आई थिंक एनिमीज की पोजीशन भी रिवील आउट कर देगी, देख चुके हैं कि वो लोग एक की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड यहां पे अब स्ट्रेटजीज आती नजर आएंगी उनको डिफेंडिंग की तरफ से। मीनवाइल यहां पे ब्रीच अपनी अल्टीमेट यूज करते नजर आने वाले हैं एंड पुशिंग करेंगे पूरी ए साइड की तरफ, बिकॉज अगर आप ब्रीच की अल्टी में आते हो यू आर जस्ट हेल्पलेस, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और फिलहाल के लिए आई थिंक साइफर आखिरी प्लेयर बचने वाले हैं, एंड इसकी भी लोकेशन रिवील आउट हो चुकी है, और कुछ ही सेकंड में आई थिंक ये स्टन होने वाले हैं, कुछ 11 और 10 एचपी होंगे जरूर। एंड मीनवाइल यहां पे आई थिंक एक रिवाइव भी दिया जाएगा जिसके द्वारा, बिकॉज़ अभी आई थिंक जरूरत नहीं थी बट फिर भी दिया, एंड
आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी सामने वाले प्लेयर्स को डराने की. एंड आई थिंक साइपर अभी के लिए ऑफ सेव करते नजर आएंगे और ये दोबारा से एक और राउंड सातवां राउंड अटैकर अपने नाम करते नजर आएंगे. जी हां मेरे सामने ओके तो आई थिंक 47 कहीं ना कहीं अपने आप को रिवील आउट कर चुके हैं. अब इंतजार कर रहे हैं कि अटैकर टीम को खोज ना पाए. ओ काफी करीब बात हुई. आई थिंक ये ऑफ बचाना थोड़ा सा क्या जाएगा. जी काफी शानदार शॉट बैक टू बैक टू शॉट यहां पे लेकर आते हैं 47 बार आपको स्वैप ऑफ देखने को मिलेगा. देखते हैं स्वैप ऑफ में डिफेंडर टीम कम बैक कर पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात है. लेकिन अभी भी देखा जाए तो हालत काफी पस्त दिखती हुई नजर आ रही है. अटैकर टीम बहुत देखा जाए हद तक नेस्तनाबूत करती हुई नजर आई इस बार डिफेंडर टीम को. सच्ची कह रहे हैं आपने यार, बहुत अच्छी तरीके से नेस्तनाबूत किया उनको एंड काफी मुश्किलों में डाला है. सच्ची बता रहा हूँ अभी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डिफेंडर टीम को. बट अभी अगर ये लोग डिफेंडर आफ्टर द स्वैप तक जाएंगे तो मेरे हिसाब से डिफेंडर टीम को और ज्यादा दिक्कतों में डाल सकते हैं. जी हाँ डाल तो सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो साइफर कोशिश कर रहे हैं कोई एक एंट्री मिले अंदर जाने की कोशिश करें. फिलहाल अभी एंट्री तो नहीं मिला है बट टाइम है इनके पास अच्छे खासा टाइम है एंड वापस अपने स्पाइक कैम को लेकर बुलाएंगे. लेकिन मिड की तरफ मिड गैराज की तरफ प्लेयर्स आ चुके हैं. चलते हैं जरा एडिक्टेड अभी भी होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. क्या है यहाँ जी नहीं ओमेन अपने यहाँ पे सैड होकर लेकिन थ्रेड ऑफ देखने को मिली यहाँ पे दोनों तरफ से. बट दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं डिफेंडर की तरफ से. फाइनली सोबा की तरफ एक बहुत ही बेहतरीन रैकन बोल्ट इस्तेमाल किया गया एंड यू नो रैकन बोल्ट इस्तेमाल किया पता है लोकेशन तो बिल्कुल वहाँ से कवर फायर आएंगे बैकअप आएंगे एंड वो रेस की तरफ से देखने को मिला. पेंट सेल्स जाते हुआ यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे. एक और राउंड लेके जाती हुई अटैकर टीम. क्या ही शानदार गेम प्ले यहाँ पे अटैकर टीम को देखने को मिला. यहाँ पे टीम एसेंड काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे टीम गंजेड़ी जनता को पंच ऑफ कर रही है एंड मेरे हिसाब से गंजेड़ी जनता के लिए एक भी राउंड जीतना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा. एंड आई थिंक काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सिनर्जी बनी है मेरे हिसाब से इनकी जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं दैट्स गोना बी ऑन अनदर लेवल. मीनवाइल वुमेन यहाँ पे अपनी प्राइम मेडल का उपयोग करते नजर आने वाले हैं क्योंकि प्राइम मेडल यार फॉर सम रीजन मुझे ना काफी स्टेबल भी नजर आती है मैक्सी. हाँ जी हाँ बिल्कुल अगर मैं बात करूँ गन्स की तो देखा जाए अभी फिलहाल तो यहाँ पे वेंडर लेकिन मिड डोर के सामने काफी ओके तो शायद यहाँ पर यूज किया जा रहा है ऑल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है एंड ऑल ड्रोन आई थिंक फाइनली एक और प्लेयर को डाउन किया गया. चीजें दिक्कत हो गई अगर आप मिड डोर आ चुके आपके ऊपर अटैक ना करें तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी देखने को मिला ब्रिज की तरफ से एंड फाइनली ब्रिज को यहाँ पर डाउन किया गया ब्रिज की तरफ प्लान किया जा रहा है. ओह माय गॉड 47 का बहुत ही शानदार अंदाज प्लेयर को डाउन किया गया एंड सेज अभी भी स्पाइक की निगरानी करती हुई नजर आ रही है. साइफर अभी फाइनली यहां पे 47 को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा. क्या ही शानदार स्किन्स एंड बहुत ही बेहतरीन एक बार और देखने को मिला अटैकर टीम की तरफ से. बैक टू बैक इतने सारे राउंड जीतना साइमल्टेनियसली इतने सारे राउंड जीतना आसान नहीं होता. इतनी जगह इतना ज्यादा इन्होंने डोमिनेट कर दिया. इट्स डिफिकल्ट फॉर द डिफेंडर टीम टू कम बैक. यहां पे कम बैक करने का बिल्कुल चांसेस देखने को नहीं मिल सकता है ट्रैकिंग. Yeah, like अभी के लिए आई थिंक दैट्स वंस अगेन गोना बी द 13-1 सिनेरियो बिकॉज जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं दैट्स गोना बी ऑन अनदर लेवल एंड प्लेयर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है कमबैक करने का. धड़ाधड़ पुश हो रहा है धड़ाधड़ यू नो बोल सकते हैं आप सामने वाले प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा पनिश ऑफ किया जा रहा है एंड एक भी गलती नहीं कर रहे. अगर एक गलती करते हो ना आपको पता है आपको पनिश ऑफ किया जा सकता है बट एक भी गलती नहीं कर रहे. अगर आप नोटिस करें यहाँ पे अटैकर्स काफी अच्छी तरीके से अपने यू नो गेम सेंसेस का यूज कर रहे हैं एंड प्लेयर्स को काफी कंफ्यूज करके पनिश ऑफ भी कर रहे हैं. जी बिल्कुल लेकिन फिलहाल ए लॉन्ग से जाने की कोशिश करेंगे रेज एंड आई थिंक यहाँ पर अपना ब्लास्ट पैक का इस्तेमाल करके जंप एंड सॉस किया जा रहा है क्योंकि सामने की तरफ पेंसिल का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड आई थिंक सामने की तरफ यहाँ पर बैक टू बैक बहुत ही बेहतरीन स्प्रे और यू नो अगर आप हेड पे शॉट्स कनेक्ट कर दो प्लेयर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये चीज बिल्कुल देखने को नहीं मिल सकता है लेकिन फाइनल दो ओवर टू रन यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए सोवा अपनी अल्टीमेट एबिलिटी. साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ दो दो प्लेयर आगे आने की कोशिश करें रहना लेते लेते रहना क्या करेगा इस्तेमाल करेगी सामने वाले प्लेयर को ब्लाइंड किया जाएगा एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा. नाउ इज टू वर्सेस
सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे डिफेंडर टीम को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल से यू नो आपको अब कम बैक करना बहुत कम चांस, क्योंकि दो राउंड एक राउंड और बचे हुए आपको स्वैप अप होने में, और अब आप स्वैप अप जब हो गए आपके पास स्पाइक प्लांट करना होगा, एंड यू नो स्पाइक प्लांट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फिलहाल अटैकर टीम का सिनर्जी इतना बिल्डअप था कि उनको काफी आसान लग रहा था स्पाइक प्लांट करने में, यू नो अगर आपके अंदर सिनर्जी नहीं मिल रही है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है फिलहाल। बट अभी के लिए अगर आप देखें जिस तरीके से अटैकर अपनी स्ट्रैटेजीज को हर बार चेंज कर रहे हैं, सामने वाले प्लेयर्स को अपना गेमिंग पैटर्न मतलब यू नो कोचिंग पैटर्न पे बिल्कुल भी आने नहीं दे रहे हैं, वो काफी मस्त है। एंड यहाँ पे आई थिंक अब बी साइड पे जाने का इनका प्रयास रहेगा। अभी के लिए ए साइड पे हमको ब्रीच और ओमिन देखने को मिलने वाले हैं, बट मीनवाइल हमारे साइफर और रीना हमको देखने को मिलने वाले हैं राज साइड सी साइड पे। तो फिलहाल अभी के लिए दो साइड को संभालना है यहाँ पे इन लोग को, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत आसानी से काम को भी संभाल सकते हैं। तो काफी शानदार अपने फ्लैश पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं। लेकिन 47 यहां पे कुछ को नॉक एंड फिनिश ऑफ, आई नो एग्जैक्टली बट आई नो एक्सैक्टली वेयर यू आर, आपको क्या यहाँ से डिफेंडर टीम जीत के जा पाएगी? स्वैप अप हो चुका है इस पिस्टल राउंड है, आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे अटैकर टीम का गेम प्ले देखने को मिल रहा है ना, काफी बेहतरीन गेम है, काफी शानदार गेम प्ले इनका, जो हेडशॉट परसेंटेज अगर देखा जाए तो काफी शानदार है, यू नो दो शॉट्स इनफ है आपको फिनिश ऑफ करने के लिए, और इससे इकोनॉमिकल राउंड आपके पास इतने क्रेडिट्स नहीं है कि आप वेस्ट यूज कर सको। बट यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंडर टीम वेस्ट यूज़ कर रही है, बखूबी क्लासिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर आप होस्ट पे जाते हो तो इतना आसान मतलब आप नहीं दे पाते हो सीरीज, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अभी मैं एक बात आपको बोलूंगा, तो यहाँ पे SN के प्लेयर्स काफी अच्छे तरीके से सामने वाले प्लेयर्स को यू नो पिक ऑफ करते नजर आए हैं, एंड मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अभी देखिए आप साइफर का एग्रेसिव स्पीड देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ए पे अपना चेक करना चाहते हैं प्लेयर आगे एंड एक को हेड शॉट कनेक्ट करेंगे और उनको पिक ऑफ कर लेंगे, दैट्स गोना बी रियली अमेजिंग। और मेरे हिसाब से यार मैं अगर लिटरली आपको बताऊं, ये प्लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से अच्छे सिनेरियो से खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हाउ टू प्ले, हाउ टू यू नो वेट द एनिमीज, कितनी देर तक उनको रोकना है, और यहाँ पे ए साइड पे आने से उनको रोक रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप जितना रोकोगे जितना टाइम लोगे डिफेंडर टीम के लिए उतना ही अच्छा है। ये चीज़ जाना डिफेंडर टीम का बहुत जरूरी है कि आपको टाइम लेना है अटैकर टीम का, अब जितना टाइम लोगे उतनी वो दबाव में आएगी। अगर कुछ सेकंड्स बचते हैं, जब 50 सेकंड्स के बाद जब ये काउंट डाउन स्टार्ट होता है, अटैकर टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उनको दबाव रहता है कि यार इस टाइम के अंदर मुझे प्लांट करना है। यू कैन सी दैट यहाँ पर डिफेंडर टीम बखूबी अपना गेम प्ले समझ चुकी है, बहुत ही शानदार गेम प्ले का इस्तेमाल किया गया थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए, तुरंत फ्लैंक देख लिया गया है। आई थिंक यहाँ पे बी साइड पे जाना प्रेफर करेगी अटैकर टीम, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तक एक राउंड उनके हाथ लगा है, अब देखते हैं क्या आगे और राउंड लग पाएंगे या नहीं। लेकिन ये चीज की मैं बात कर रहा था, सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मिड एरिया को ब्लॉक करो, एंड अगर आप मिड को यार मिड एरिया को अगर आप ब्लॉक करते हो ना तो आप आराम से सामने वाले टीम को कुछ टाइम दे सकते हैं, बैरियर ऑफ कर दिया जाएगा तो फिर क्या जाएगा। लेकिन रेज पीछे से आते फिनिश ऑफ किया गया काफी शानदार चीज की तरफ से, और डिफेंडर्स यहाँ पे SN एक और राउंड अपने नाम करते नजर आएंगे। एंड मेरे हिसाब से यार SN नहीं जाने देगी इसको और भी राउंड पे, बिकॉज अभी ये राउंड जीते हैं हार्ड बाय करेंगे, सामने वाले प्लेयर्स को बाहर करेंगे एंड अपने लिए गेम में दोबारा से जगह बनाते नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पे 12 राउंड जीत चुकी है, एक राउंड बचा हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ डिफेंडर ऑन, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, क्या ये मैच आगे बढ़ेगा। लेकिन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से आ चुके हैं जी नहीं ऊपर की तरफ आ चुके हैं, सी की तरफ ही है, लेकिन यू नो आप जंप करके ऊपर की तरफ नहीं आ सकते हो, तो ओमेन अपना सराउंडर स्टेप इस्तेमाल किए एंड डार्क कवर का इस्तेमाल किया गया सी की तरफ, सी लॉन्ग की तरफ, लेकिन सी की तरफ प्लेयर्स का पुश देखने को नहीं मिल सकता है। तो क्रैकी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी में थोड़ा सा तब्दीली देखने को मिली फिलहाल इस बार अटैकर टीम की तरफ से। बट अगर आप बात कर रहे हैं डिफेंडर्स की, तो डिफेंडर्स को पता है कि इस तरीके से ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनका गेम सेंस तो समझ चुके हैं, दोनों ने एक एक प्लेयर खोया जरूर है, एक ने रेस, दोनों ने रेस ही खोई है अपनी टीम की। सो मेरे हिसाब से भी
दोनों ही टीम के प्लेयर्स यहाँ पे सावधानी बरतेंगे किस तरीके से प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजी सामने वाला यूज कर रहा है और आपको किस तरीके से उसको टेक डाउन करना है। बिकॉज अगर आप बात कर रहे हैं ना कोई भी FPS गेम की, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जी हाँ बिल्कुल, लक बहुत कम मैटर करता है, मेनली आपकी स्ट्रैटेजी और आपके स्किल मैटर करते हैं। पर फिलहाल की आई थिंक यहाँ पे अटैकर स्किल थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ता है हमको नजर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन स्विच की अगर एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है चार्ज होने में। क्या यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा? रिलोड जाता हुआ है डिफेंडर, ये मैच लेके जाती हुई एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ पर गंजेड़ी जनता। तो काफी बुरा लगा इस बार गंजेड़ी जनता के लिए। सो मैं ये कहना चाहूंगा बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम गंजेड़ी जनता, बट टीम एसेंट बेस्ट ऑफ लक आपके जो आने वाले मैचेस हैं उसमें अच्छे से खेले। लेकिन क्रैकी चलते हैं एक बार टीम स्टैट्स की तरफ, जो इनके एवरेज कॉम्बैट स्कोर है, किल डेथ एंड एसेस, साथ ही साथ एकॉन रेटिंग, फर्स्ट ब्लड, प्लांट्स एंड डिफ्यूज की तरफ। या लाइक अगर आप बात करें ना इनके स्ट्रैटेजी और इनके केडीए की, तो यार काफी अच्छी तरीके से, पहले तो स्ट्रैटेजी की मैं तारीफ करना चाहूंगा टीम एसएन के प्लेयर्स की। यहाँ पे हमारी ड्यूलिस्ट अपना रोल परफेक्टली अदा करती हुई नजर आई, क्विल्जू ने यहाँ पे आई थिंक 19 स्किल निकाल के अपना यूनिट ड्यूलिस्ट का रोल निभाया। उसके बाद मैं इनकी बात करूँ तो कंट्रोल काफी अच्छे तरीके से किया। इनिशिएटर की अगर मैं बात करना चाहूँ, सोवा काफी अच्छे तरीके से अपने प्लेयर्स के लिए रिवील आउट भी किया और अपने लिए गेम में जगह बनाई। मीनवाइल अगर आप बात करने वाले हैं साइफी की, जो कि साइफर थे, वो काफी अग्रेसिव पिक दे रहे थे जब उनका डिफेंसिव भी आया, तो दैट वॉज रियली ग्रेट। मीनवाइल अगर मैं बात करूँ डूम X1 की, तो काफी अच्छी सेज अपने अपनी टीम के लिए सेंटिनल जिस तरीके से अदा करा उन्होंने, दैट वॉज ऑन अनदर लेवल। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पे मैच खत्म होता हुआ, अभी भी आगे एक और मैच बचे हुए हैं। तो गाइस आप अभी से लेते एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं आपको उस मैच के साथ। फिलहाल आप भी थोड़ा सा रेस्ट लेके आइए, पानी पी के आइए। लेकिन गाइस WD Black का जो NVMe SSD है यूज करना मत भूलिएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गाइस। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Thank you.
might as well just ride around the nursery and count sheep. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. We'll be right back.
हेलो एवरीवन, और आप सभी का फिर तरफ चलते हैं। डब्ल्यू डी ब्लू की बात करूं तो 1950 MB पर सेकेंड, एंड डब्ल्यू डी ब्लैक की बात करूं 3000 MB पर सेकेंड। तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप एक गेमर हो तो आई थिंक कि आप इसको प्रेफर करोगे। यू नो, आप अपना OS इंस्टॉल करते हो विद इन 10 मिनट्स आपका बिल्कुल OS इंस्टॉल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप आपका गेम क्रैश कर रहा है, गेम लैग कर रहा है, आप रिस्टार्ट करना, बहुत ही इसको लगाने के बाद बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस हो जाता है गेम का। साथ ही साथ चलते हैं इस मैच की तरफ, रन के मैच की तरफ। दो टीमें लड़ेंगी, 5 vs 5, अटैकर वर्सेस डिफेंडर। साथ ही साथ बात करें, हेवन के मैप पे खेला जाएगा, टीम एक्सोटिक नेक्सस वर्सेस हेक्सागन एस्पोर्ट्स, जानी पहचानी टीम है यहाँ पे। देखते हैं कैसा होने वाला है फाइट। चलते हैं जरा इस टूर्नामेंट के प्राइस पूल की तरफ, 2 lakh प्राइस पूल है। साथ ही साथ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फर्स्ट प्राइस 1 lakh रुपीज, सेकंड प्राइस 40,000 रुपीज, थर्ड प्राइस 25,000, फोर्थ प्राइस 15,000 रुपीज। एंड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में जो थर्ड पोजिशन होल्ड करेगा, दोनों ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के थर्ड पोजिशन टीम को मिलेगा 10,000 रुपीज। तो काफी शानदार यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला। चलते हैं मैच की तरफ। क्रैकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस राउंड में। बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सी इतने बढ़िया वेलकम के लिए। सो अभी अगर मैं बात करना चाहूँ सिनेरियो की, तो बहुत बढ़िया रहेगा इस पूरा का पूरा मैच। पिछला गेम भी बहुत बढ़िया था, आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है? हाँ, इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है, आप पूछ रहे हो मेरे से, यू नो प्रोबेबिलिटी का मैच है हेवन में, जहाँ पे कि 50-50 चांसेस होते हैं अटैकर एंड डिफेंडर दोनों के। यू नो, आपको पता है ये चीज़ की, जो ये ऐसा मैप है जिसपे कि तीन साइड हैं, ए बी एंड सी। जहाँ तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं अटैकर टीम को इस पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है डिफेंडर टीम्स के कंपेयर में। डिफेंडर टीम अगर देखा जाए तो दो साइड्स मैक्स टू मैक्स होल्ड कर पाती है, तीसरे साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सी साइड की, मैं बात करूँ तो सी लॉन्ग प्रेफर करेंगे, लेकिन पहला राउंड थोड़ा सा यू नो, आपको भी पता है कि पिस्टल राउंड होने वाला है, तो देखते क्या होता है। यू नो, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, मैं नहीं कह सकता, मे बी इट्स हेक्सागन, मे बी इट्स एक्सोटिक। या बट मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी अटकी हुई है, क्या आप चेक करेंगे कि आपकी भी अटकी हुई है? जी हाँ, लिटिल बिट में एक तरफ चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेट्स सी। तो थोड़ा सा यहाँ पे, तो आई थिंक अभी फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल इशू था, तो जी हाँ हो चुका है सही। तो आई थिंक रैकी अब यहाँ पे होगा, एक प्लेयर का इंतजार है हेक्सागन की तरफ से, देखते हैं क्या होता है। सो अभी अगर आप नजर मारें, ये हेवन का मैप रहने वाला है, जो पिछली बार भी हेवन था एंड दैट वाज रियली रियली गुड। अगर आपने नोटिस किया हो तो भाई 13-1 से जीती थी हमारी द टीम एसेंट, एंड वहां पे आई थिंक जेडी जनता के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ाई थी उन्होंने। जी हाँ, बहुत ही उनके जो समर्थक थे, जो उनके दर्शक थे, वो काफी ज्यादा निराश हो गए थे गंजेड़ी जनता के परफॉर्मेंस से। यू नो, सिनर्जी मिलना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के बीच में, सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सिनर्जी है, आपके टीम के अंदर सिनर्जी है, आप आराम से, आप चाहे अटैकर हो या फिर डिफेंडर हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी कम्युनिकेशन में गैप आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, सिनर्जी में कमी आती है, तब हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिले। बट अब कुछ मिनट्स, यहाँ पे चंद मिनट्स बचे हुए हैं फिलहाल गेम को स्टार्ट होने में, और देखते हैं कब तक होता है स्टार्ट। या लाइक जैसे ही मैच स्टार्ट होगा भाई, मैच देखने में और कास्ट करने में अलग ही लेवल का मजा आने वाला है, क्योंकि भाई हेवन का मैप है, अटैकर्स और डिफेंडर्स के पास दोनों ही बराबरी का यू नो बोल सकते हैं सिनेरियो रहता है, क्या बोलते हैं एडवांटेज जीतने के लिए यू नो जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर रहती है। बिकॉज अगर मैं बात करूं यू नो पुश करने की, अगर मान लो अटैकर्स पुशिंग कर रहे हैं या फिर मान लो डिफेंडर अपने लिए जगह रोक रहे हैं, तो बराबर का सिनेरियो रहता है। बट अटैकर्स अगर झुंड में एक साथ सारे पुश कर रहे हैं यूनिटी के साथ, सो काफी एडवांटेज उनको मिलता है। जी हाँ, बात करेंगे एक बार, हम चलते हैं जरा कैरेक्टर की तरफ, जो एजेंट हैं इसमें उनकी तरफ चलते हैं, उनके एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, फिलहाल हम गेम के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी एजेंट्स यहाँ पे चूज़ की गई है। चलते हैं जरा फ्यूनिस की तरफ, जो कि ड्यूलिस्ट का रोल निभाते हैं, ड्यूलिस्ट यानी कि अटैकर। उनकी जो बेसिक एबिलिटी की बात करते हैं, या फिर जो उनकी अल्टीमेट एबिलिटी की बात करते हैं, सिग्नेचर एबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि ब्लेस, हॉट हैंड, कर्व बॉल, जो कि उनकी सिग्नेचर एबिलिटी है, सामने वाली टीम को अंधा करने में, ब्लाइंड करने में काफ़ी मदद करती है। एंड रन इट बैक, यू नो रन इट बैक का इस्तेमाल जैसे टीम करती है, क्लोन क्रिएट होता है, आप जाते हो पता भी नहीं चलता सामने वाली टीम को, एंड यू नो आप जाते हो फिनिश ऑफ करके वापस आ जाते हो। जी लाइक उसमें आपको एडवांटेज ये मिलता है, अगर आप मर भी जाओगे आपको दुख नहीं होगा, एंड अगर आपका एम अच्छा है, अगर आप जानते हैं इस गेम को खेलना, तो आप सामने वाले एनिमी को ना दिक्कतों में डाल के आ जाओगे, उनके एक दो ब्लास्ट मार के आ जाओगे, सो आपको एडवांटेज उसमें काफी अच्छा मिलेगा।
जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ एक बार और चलते हैं जेड की तरफ, जो कि बहुत सारे प्लेयर प्रेफर करते हैं उसको खेलना, वो उनका भी रोल ड्यूलिस्ट का है, साथ ही साथ उनके पास बहुत अच्छे खास है, जैसे कि क्लाउड ब्रस्ट का इस्तेमाल कर सकती है एबिलिटी का, सामने वाले टीम का विजन्स को ब्लॉक किया जा सकता है, साइड को ब्लॉक किया जा सकता है, एंड यू नो अपड्राफ्ट जो कि ऊपर उनको जाने में मदद करता है, टेलविंड जो कि काफ़ी तेज के साथ घूमती है, नो टेलविंड नाम ही है उनका टेलविंड, तो काफ़ी इसका सिग्नेचर एबिलिटी बहुत ही शानदार है। एंड ब्लेड स्टॉर्म जो कि वहाँ पे ब्लेड की बारिश हो जाती है, ब्लेड का तूफान आ जाता है, एंड सामने वाले चाहे वो अटैकर हो चाहे वो डिफेंडर हो वो पूरा घबरा जाता है। बिल्कुल, बट अभी अगर आप यू नो सिनेरियो की बात करें तो प्लेयर्स अपने लिए यू नो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर उनको लेना है, हर मैप के हिसाब से यू नो डिसाइडेड रहता है कि आपको किधर मतलब कौन सा एजेंट खेलना है मेनली, ठीक है। अब वैलोरेंट जब डिजाइन किया गया डेवलपर्स की द्वारा तो उन्होंने भी यही बात बताई कि हर मैप के अलग अलग यू नो परफेक्ट कैरेक्टर हैं जो वहाँ पे परफेक्टली फिट होते हैं, सो इस हिसाब से यहाँ पे प्लेयर्स को चूज करना होगा, एक सोवा लेंगे, एक ड्यूएलिस्ट में रेना लेंगे, सो दैट्स रियली गोना हेल्प द होल टीम एज वेल। जी हाँ बिल्कुल, आपने ये चीज़ बात पते की बोली है, बहुत सही बात बोली है। यू नो आपको कैरेक्टर के ऊपर अगर आप आपको मास्टर करना पड़ता है, अगर आप जब तक मास्टर नहीं किए, अगर आप सोवा के ऊपर मास्टर करके रखो और आप गेम के अंदर जाते हो कम्पटेटिव सिनेरियो जब रहता है, अगर आप सेज ले लेते हो तो डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपका आपको नहीं पता रहता कि कब कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस्तेमाल करके रखे हुए हो सोवा के ऊपर, मास्टरी करके रखे हो। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा जैसे कैरेक्टर की सिनर्जी की तरफ, जैसे कि फिनिक्स की सिनर्जी मिलती है सोवा के साथ, साथ ही साथ मैं जेड की बात करूं तो सेज के साथ मिलती है, वाइपर की बात कर तो वाइपर सब में सबके साथ वो सिनर्जी मिला लेती है, जैसे ब्रेमस्टोन सेज सोवा ब्रिज, एंड साथ ही साथ मैं बात करूं तो जेड के साथ भी। या बट अभी अगर आप नोटिस करें तो दोनों टीम्स अपने अपने कैरेक्टर्स ले चुकी है। अगर आप मैचेस की बात कर रहा था यहां पे, अगर आप डिफेंडिंग की बात करें, डिफेंडिंग में सोवा रहेगा और अटैकिंग में सोवा नहीं रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। फिलहाल अगर देखा जाए तो सिमिलर कैरेक्टर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जेट इधर है तो जेट अटैकर, साथ ही साथ डिफेंडर में भी है, साइफर दोनों तरफ, यू नो साइफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये सेंटिनल का रोल प्ले करते हैं, तो यू नो आपको पता है कि लोकेशन से रिवील आउट कर सकते हैं, अपनी टीम को सेफ रख सकते हैं, वह पूरा जो भी सामने वाली टीम का जो कहाँ से आ रही है, कहाँ से अपने स्पाइक कैम से, साथ ही साथ अपने ट्रैप वायर से कुछ देर तक सामने ओपोनेंट टीम को स्टन कर सकते हैं। या बिल्कुल, बट अभी के लिए देखना होगा किस तरीके से गेम जाता है। हमें मेरे को नजर आ रहा है कि यू नो अटैकर्स जो है वो एक सी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, तीन प्लेयर्स मेरे को सी लॉबी के आसपास जरूर नजर आ रहे हैं सी लॉन्ग के पास, बट गराज के सबसे पहला स्मोक आता हमको नजर आने वाला है अटैकर्स की तरफ से। मीनवाइल ब्रिम भी कुछ स्मोक करना चाहेंगे अपने लिए ताकि उनको एडवांटेज मिले, बट मीनवाइल यहां पे रेनिक बॉक्स के पीछे बैठे दो प्लेयर नजर आने वाली है। मीनवाइल सो यहां पे पोटैटो करेंगे, उनको रेना पिक ऑफ करेगी, रेना उसके बाद अपना हिट करेगी, बट यहां पे दो हिट करके गए हैं, नेर से काफी डैमेज देंगे, बट मीनवाइल यहां पे ब्रिमस्टोन अपने गोस्ट के साथ अपने लिए पहला राउंड निकालते नजर। एक भी प्लेयर अपने नहीं खोए हैं डिफेंडर टीम के, ये थोड़ा सा एक अजूबा देखने को मिला, एक बहुत ही अगर देखा जाए तो थोड़े से चेंजेस देखने को मिले, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डिफेंडर अटैक कर रहे होते हैं प्लेयर्स को मार रहे होते तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स डाउन होते, लेकिन इस बार प्लेयर्स बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए। या लाइक अभी के लिए अगर आप बात करें डिफेंडर्स की तो डिफेंडर्स चार राउंड जीत चुके हैं, एंड दैट्स अ रियली रियली ग्रेट स्टार्ट फॉर देम टू बी ऑनेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ मैं बात करूँ यहाँ पर तो 10TP01 अपना स्मोक, इसका स्मोक यूज करेंगे जो कि जो ब्रिमस्टोन की एबिलिटी है, आई थिंक यहाँ पे तीन विंडो पे होल्ड किया जाएगा, लेकिन ब्रिज की तरफ से भी यहाँ पे एबिलिटी यूज की गई है, उनको पता है उसको उनके पास अल्टीमेट एबिलिटी है जिसका कि बहुत अच्छा एक बेनिफिट उठा सकते हैं। देखें नेपो क्या कर पाते हैं, सिलोंग पे पूरा इंतजार करते हुए एक प्लेयर आगे की तरफ भेज दिया गया है कि अगर प्लेयर्स आते बट यहाँ पे देखा जाए ए लॉन्ग की तरफ से पूछ देखने को मिल सकते क्या यहाँ पे प्लान किया जाएगा ए की तरफ, लेकिन ऑलरेडी डिफेंडर टीम ए की तरफ, लेकिन साथ ही इस्तेमाल किया गया, पता चल चुका है कि आज लेकिन
फाइनल स्टेप को फिनिश करने के बाद पूरे चारों तरफ से यहां पे घेर लिया गया था। हेड की बात करूं हेड के लिए अलग अलग एंगल पर चुकी है एंड यू नो ये राफ्टर या फिर अगर मैं बात करूं ए टावर की तरफ टीमें जाएंगी वहां से लेने की कोशिश करेंगी एंगल लेने की कोशिश करेंगी अगर आप हाइट एडवांटेज लेते हो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। फिलहाल अगर इस्तेमाल किया जाता है क्या होता है। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन गेम यहाँ पे अटैकर की टीम की तरफ से भी देखने को मिला। साथ ही साथ मैं बात करूँ 30 सेकंड बचे हुए बाई फेस बचा हुआ है और चलते हैं जरा एक बार पूरे इकोनॉमिक फील्ड की तरफ। साथ ही साथ में बात करूँ प्लेयर्स के जो टॉप प्लेयर है अटैकर साथ ही साथ डिफेंडर की तरफ हैक्स के जॉन विक की बात करूँ अपनी टीम से 5 किल निकाला है साथ ही साथ 5 डेथ भी है साथ ही साथ 5 असिस्ट भी है। 10 TP 01 की बात करूँ 8 kills 3 deaths and 2 assists तो काफी शानदार। लेकिन देखा जाए क्या यहाँ पर अपने फैंटम का कैसा इस्तेमाल कर पाते हैं वो देखने वाली बात है। मिड से थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही है अपने डिफेंडर टीम को पीछे डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है थोड़ा सा डराने की कोशिश की जा रही है। साइबर के पास अल्टीमेट एबिलिटी है अपने कैसे इस्तेमाल करते हैं कैसे पता करते हैं कि कहाँ पर प्लेयर्स हैं डिफेंडर्स हैं। अगर ये अल्टरनेट एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं तो इनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से डिफेंडर्स होल्ड करते हुए नजर आ। लेकिन स्पाइक अपना ड्रॉप करेंगे सामने दूसरे प्लेयर्स को देना पसंद करेंगे क्योंकि कोशिश करेंगे अटैक करने का। लेसी देख सकते हैं कर पाते फिलहाल ए लॉन्ग से जाने की कोशिश पूरी जगह जगह चालू हो चुकी है। फिलहाल एक प्लेयर डाउन कर दिया गया अटैकर टीम से रैना एनिमी डाउन। ओह माय गॉड टर्टल का काफी शानदार स्पॉट करने के बाद जो स्प्रे था काफी शानदार था। टर्टल आगे की तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से क्या सी लॉन्ग से जाने की कोशिश बट कंट्रोल सी लॉन्ग पे ऑफ नजर आ रहा है। फिलहाल कैरियर कॉलेज की तरफ से बहुत ही शानदार ऑफ का यहाँ मुजाहरा देखने को मिला काफी बेहतरीन पिक एंड शॉट एंड वन किल एंड वन शॉट एंड वन किल। आई नो एग्जैक्टली वेयर यू आर। साइफर ने फाइनली अपनी अल्टीमेट एबिलिटी यूज की एंड आई नो एग्जैक्टली वेयर यू आर। यू नो आप इसकी अल्टीमेट एबिलिटी तभी यूज कर सकते हो जब जो एनिमी आपकी है उसके डेड बॉडी पे जा करके अपनी अल्टीमेट एबिलिटी यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इन्होंने टर्टल 1 + 2 कर पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात है। 5 सेकंड रिमेनिंग क्या यहाँ पर रुक पाएंगे या नहीं। डिफेंड बहुत ही शानदार यहाँ पर एक राउंड और लेके जाते हुए ऑफ को वापस उठाएंगे। यू नो ऑफ बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहती है एंड इसीलिए यहाँ पे ऑफ को दिया जाएगा सामने वाले अपने प्लेयर्स को दिया जाएगा। कॉलिंग जो भी चलाना बेहद बहुत ही पसंद करते हैं। फिलहाल बात करें यहाँ पे 5 का सीनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। अटैकर टीम देखा जाए तो उतना भी लीड नहीं है कम बैक कर सकती है जब वो स्वैप अप होगा बट यू 7 राउंड हो चुके हैं बचे यहाँ पे 5 राउंड के बाद आपको स्वैप अप देखने को मिलेगा। बट कॉली ए लॉन्ग पे यहाँ पे आ चुके हैं। ए लॉन्ग से कोशिश कर रहे हैं अगर प्लेयर आते हैं स्पॉट करेंगे हल्का सा एंगल लिया गया ले सी देखते हैं डाउन कर पाते हैं या नहीं। बाकी प्लेयर्स पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अटैक की तरफ चलते हैं देखा जाए तो जेड की मैं बात करूं अटैकर टीम की अगर मैं जेड की बात करूं तो आ चुके हैं मिड की तरफ प्लांट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन स्पाइकर डाउन प्लांट नहीं कर पाए लेकिन साथ ही साथ ब्लॉकिंग अपने प्रोग्रेस में प्लांट कर चुके हैं। उन में यहां पे टीम चलाया जा रहा है देखते हैं। आई नो एग्जैक्टली ऑलरेडी डिफेंडर्स होल्ड कर रहे थे एंड यू नो अगर आप पहले से प्लेयर होल्ड करो आपको पोजीशन रिवील आउट नहीं है अब गलती करते हो पुश कर। लेकिन देखा जाए जेट अपना कैसा इस्तेमाल करती है कॉली ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नजर आ रहे क्या यहाँ पे स्पॉट करेंगे। ओह माय गॉड क्या शानदार शॉट देखने को मिला यहाँ पे कॉली की तरफ से बहुत ही बेहतरीन। यू नो मैं चंबित हो गया था काफी यू नो कैसे मारा कैसे कॉली कैसे हाउ इज इट पॉसिबल बहुत ही शानदार वहां पे देखने को मिला शॉट कॉली का। चलते हैं जरा अटैकर की तरफ एक बार देखते हैं टॉप अटैकर की टीम नजर डालते हैं इसके जॉन के विक की बात करूं अपने टीम से टॉप अटैकर जीतते हुए नजर आ रहे हैं सिस्किट के साथ। वहीं मैं 10 TP 01 की बात करूं 10 kills 3 deaths एंड
टू एसिस्ट। साथ ही साथ में चलते हैं जरा क्रेडिट्स की बात करते हैं। टीपी के पास अच्छे खासे क्रेडिट्स हैं लेकिन कॉन्टी के पास 6800। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने क्रेडिट्स नो मोर चार्जेस लेफ्ट इकोनॉमिकल बनाना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे कॉन्टी का लेकिन बुक्स की बात करूँ जैक्स के जॉनी को अपने साथ दिया जाएगा एंड साथ ही साथ देखा जाए लेकिन क्या वो इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं देखने वाली बात है। अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो बैक टू बैक इनके टीम को कवर देना पड़ेगा। जेड आगे की तरफ जाती हुई अटैकर टीम के तरफ चढ़ती हुई नजर आई। फिलहाल देखा जाए तो अभी भी डिफेंडर टीम बखूबी जानती है कि मुझे क्या करना है। थोड़ा सा मस्ती किया जा रहा है डिफेंस हाफ करके थोड़े से जंपिंग जपाक एंड फाइनली यहां पे डिफ्यूज किया जाएगा। नाउ इट्स 7-2। 9 राउंड हो चुके हैं, 3 राउंड और बचे हुए हैं। देखते हैं इस 3 राउंड में कितने पॉइंट्स लेकर जाती है डिफेंडर टीम और कितने पॉइंट्स लेकर जाती है अटैकर टीम। अगर अटैकर टीम कवर अप नहीं करती है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो हैक्स की टीम को। लेट्स सी। अगर मैं बात करूं यहां पे एक्सोटिक के टीम पे, एक्सोटिक ने बहुत शानदार गेम प्ले यहां पे खेलती हुई साथ ही साथ जो अपनी बेसिक एबिलिटी है उसका भी बहुत ही बेहतरीन यहां पे इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम बात करें 7 seconds देखा जाए तो बाइंग फेज निकलता हुआ नजर आ रहा है एंड वहीं साइफर की मैं बात करूं अपने स्पाइक कैम का भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहां पे चलते हैं जरा स्पाइक कैम का कैसा इस्तेमाल करते हैं। ई एन का डी एक्स एंड बिल्कुल ए लॉन्ग की तरफ कोई प्लेयर्स आते हुए नजर नहीं आ रहे। फिलहाल देखा जाए उसकी तरफ क्लाउड ब्रश किया जाएगा उसके द्वारा साथ ही साथ बूमबॉट रेस की तरफ से छोड़ा गया थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए कि प्लेयर्स का थोड़ा सा ध्यान किया जाए अपनी तरफ पता चल जाए। बहुत ही बेहतरीन क्राउच एंड फाइनली रेस को डाउन करेंगे एंड देखा जाए तो साइबर यहाँ पे देखा जाए साइबर केज कर दिया जाए एंड देख सकते हैं यहाँ पे हैक्स के जेल का काफी बेहतरीन अच्छा खासा यहाँ पे रिफ्लेक्स देखने को मिल सकता है लेकिन ट्रेड ऑफ देखने को मिला दोनों की तरफ से एंड फाइनली स्पाइक प्लांट करेगी हैक्स की टीम। एक अच्छा चांस मिला, एक अच्छा मौका मिला है कम बैक करने का। एक राउंड जा सकते हैं और हर एक राउंड काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी देखते हैं कैसे क्या यहाँ पर जो साइफर खेले बचे हुए चलते जरा साइफर की तरफ 87 HP पे बचे हुए क्या ये राउंड निकाल पाएंगे 1-2 कर पाएंगे या नहीं। जेट अभी भी सी साइड की तरफ होल्ड यहाँ पे काफी शानदार स्प्रे देखने को मिला जेट की तरफ से एंड एक राउंड लेकर जाएगी ऑफ उठाएंगे यू नो बिल्कुल ऑफ उठाना पसंद करेंगे यहाँ पे हैक्स के बंदे क्योंकि उनको भी पता है कि यार अपने पैसे बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कंपटीटिव सिनेरियो बिल्कुल अनरेटेड की तरह नहीं होता। आपको यहाँ पे हर एक 500 क्रेडिट्स का भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो अटैकर टीम अपने स्पॉन से जाती हुई नजर आई। फिलहाल देखा जाए डिफेंडर टीम भी अलग अलग अपने एंगल लेती हुई नजर आ चुकी है। अगर मैं हेवन की बात करूँ तो 50-50% चांसेस होते हैं अटैकर एंड डिफेंडर के लिए और ये एक ऐसा मैप है जहाँ पे कि तीन आपको पता लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो स्काई स्मोक का इस्तेमाल एंड इस्तेमाल किया था। फिलहाल क्या ब्लेड और स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल सी साइड पे सारे प्लेयर्स आ चुके हैं प्लेयर को डाउन कर पाया नहीं लेकिन जी ने इस्तेमाल तो किया था और लेकर उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फाइनली यहां पे ओके बहुत ही शानदार स्टीम बीकन का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ब्रिमस्टोन के द्वारा और यू नो अब जब स्टीम बीकन इस्तेमाल करते हो आपका थोड़ा मूवमेंट फास्ट हो जाता है एंड साथ ही साथ ओमेन को फिनिश ऑफ किया जाएगा। शानदार काफी बेहतरीन रिफ्लेक्स है और चलता हुआ नजर आता है वो देखने वाली बात है जी नहीं तो बहुत आई नो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या देखने को मिला बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया था बट निशाना साधे रखा लास्ट का यहाँ पर ब्रीच की जो एबिलिटी है स्टन कर देती है उसका इस्तेमाल सामने वाले प्लेयर काफी देर तक बिजी रखेंगे स्पाइक एंड फाइनली एक किल तो लेके जाएंगे। किल्स काफी मैटर करते हैं आपको काफी फ्लो लेकर जाते हैं आपकी अल्टीमेट एबिलिटी की तरफ
स्किल्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ बात करें यहाँ पर देखा जाए तो अब बचा है एक राउंड और जहाँ पे कि आपको स्वैप अप देखने को मिलेगा. लेट्स देखते हैं फिलहाल क्या अटैक टीम ने लेकिन गर्ल्स फिनिश ऑफ करेंगे. बहुत ही शानदार यहाँ पर स्प्रे देखने को मिला फिनिश ऑफ किया गया एंड अपने डिफेंडर टीम लास्ट में क्योंकि इनको पता है कि स्वैप ऑफ में आपकी जितनी सारी चीजें हैं क्रेडिट सब कुछ बिल्कुल इक्वल हो जाती है. डिफेंडर एंड अटैकर बराबर हो जाते हैं एंड साथ ही साथ आपके जो क्रेडिट्स हैं जैसे कि आपका पहला राउंड स्टार्ट हुआ था वैसे ही स्वैप ऑफ के बाद भी देखने को मिलेगा. जैसे देखते हैं इस गन इस पिस्टल राउंड में कैसे डिफेंडर की डिफेंड कर पाती है जो कि पहले अटैकर थी. फिलहाल देखा जाए तो होल्ड का टीम नजर आ रही है. चलते हैं जरा एक बार डिफेंडर टीम की तरफ नजर डाले डिफेंडर टीम की तरफ है इसके यूबी क्यूटॉस की तरफ चला जाए तो आ चुके हैं सी साइड के ऊपर. साथ ही साथ ए बी बी की तरफ देखा जाए ओमेन को रखा गया है कि वो अपने शैडो इस्तेमाल कर सकें एंड लेट्स सी देखते हैं वो अपने शैडो का इस्तेमाल करके सामने वाली टीम को कितना रोक सकते हैं. साथ ही साथ पारानोइया का इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन फिलहाल इस राउंड में अपनी जो फ्री एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेंगे जो कि ओमेन की मैं डार्क कवर की बात करूँ. चलते हैं जरा हेक्स के यूबी क्यूटॉस की तरफ. यूबी क्यूटॉस थोड़ा सा रोटेशन देखने को मिल सकता है मिड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चलते हैं सी विंडो की तरफ. सी विंडो की तरफ नजर आ रही है लेकिन सामने वाला बहुत ही चतुर बहुत ही प्यार यहाँ पे अपने आप को अपने आप को बताया लेकिन हैक्स के टर्टल बिल्कुल जो कहते हैं ना कि अगर आंखों से दिख नहीं रहा तो आवाजों का इस्तेमाल करो शब्द का इस्तेमाल करो बिल्कुल आवाज का इस्तेमाल. लेकिन इनके आंखों के सामने यहाँ पे पानी का वो नजर आ रहा है क्या ये रोक पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात है. सवाल की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है इसके टर्नर कोशिश तो कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है इसके ऊपर इनको डिफ्यूज करना है. अटैकर टीम अगर यहाँ पे डिफ्यूज नहीं कर पाते अटैकर टीम ये राउंड लेकर जाएंगे लेकिन कंटिन्यूस ब्रीच भी रोकते हुए नजर आ रहे हैं अपनी एबिलिटी के साथ. बिल्कुल कोशिश करें स्टन करें इनको रोके डिफ्यूज करें बट क्लाउड बस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया काफी लो हो चुके हैं लेकिन सोवा ने अपने का इस्तेमाल किया के द्वारा यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा. जेड डाउन हो चुके हैं साथ ही साथ हैक्स के टर्टल एमटी बहुत ही लो अकेले यहाँ पे बचे हुए 10 एचपी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिफेंड दिस साइड. अब पीछे की तरफ जाएंगे अपने आप को बचाना प्रेफर करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक होना बहुत जरूरी है. एकॉन रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपना पीछे की जा चुके हैं ये टावर पर होल्ड करना पसंद करेंगे एंड साथ ही साथ में देखा जाए तो हैक्स टर्टल अपने जो एबिलिटीज का इस्तेमाल किए तो वो उसको वापस लेते हुए नजर आएंगे. फिलहाल अगर मैं बात करूँ फिलहाल यहाँ पर हैक्स की टीम से अभी भी देखा जाए पिस्टल राउंड खेलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके इकोनॉमिकल कंडीशन की काफ़ी गिरती हुई नज़र आ रही है. अगर देखा जाते हैं जरा क्रेडिट्स के ऊपर देख सकते हैं आप अटैकर टीम के पास कहीं ना कहीं उन्होंने देखा जाए तो अपने स्पेक्टर का इस्तेमाल किया. साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ प्लेयर्स होस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स अपने इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट अटैकर टीम पूरे जून बना के आगे की तरफ आते हुए प्लांट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर ENDS के द्वारा फिनिश ऑफ किया जाएगा बहुत ही शानदार हैक्स से यूबी क्यूटॉस की तरफ चलते हैं अंदर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं बट यहाँ पे साइबर केज रखा गया है. अगर चाहते हैं तो अपने पोजीशन को रिवील आउट कर देंगे लेकिन अपने का इस्तेमाल करते हुए टेल विंड का भी साथ ही साथ यहाँ पे एक भी डाउन करेंगे साइबर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पे डिफ्यूज कर पाएंगे नहीं वो देखने फिलहाल इनको काफी ज्यादा कम बैक करना है. राउंड ज्यादा जीत चुकी है अटैकर टीम बहुत ज्यादा यहाँ पे हो चुका है ओनली 3 राउंड रिमेनिंग वो यहाँ से मैच लेके जाएंगे.
एलिमिनेट हो जाएगी, यू नो, इसे एलिमिनेशन राउंड, जहाँ पे कि टोटल मैंने आपको बता रखी है जो तीसरा राउंड है 64 टीम्स खेल रही है, और यहाँ से जो टीमें एलिमिनेट हो जाएंगी, जो टीमें सेलेक्ट होंगी वो आगे की तरफ जाएंगी। एंड अगर मैं बात करूँ तो 64 में से अगर हम बताएं जितनी टीमें जा रही हैं 32 बिल्कुल आप सेलेक्ट हो गए, फिलहाल इनको जल्द से जल्द कम बैक करना बहुत जरूरी है। अगर ये कम बैक नहीं करते तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत। मैं तो चाहता हूँ ये थोड़ा सा राउंड और बड़ा होता जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अटैक काफी डोमिनेट करती है, सीलोंग से यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है द्वारा, ओके काफी आगे पहुंच चुके, एक प्लेयर को डाउन किया गया, जेड को डाउन कर दिया गया है। फिलहाल अपने ऑल्ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ चलते हैं जरा रेस की तरफ। स्वैप स्टॉपर का इस्तेमाल करते हैं, स्वैप स्टॉपर कुछ समय के लिए ही होता है। एंड वक्त की बात करें तो सामने प्लेयर मिलता अपने एबिलिटी को यहाँ पे, अब अल्टीमेट एबिलिटी को यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, थोड़ा सा होल्ड डी बैक में कंटिन्यूस यहाँ पे बुलेट चला रहे हैं, बट डी बैक में अभी भी ब्रिज नहीं है। चलते हैं जरा ब्रिज की तरफ, देखते हैं ब्रिज क्या कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं ब्रिज की बात करूँ, हैक्स के हर्स की तरफ चलते हैं, आराम से होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं ए साइड की तरफ। एंड यू नो अगर प्लेयर्स आते हैं तो इनको बस किल्स चाहिए, इनको पता है कि यार मैं अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट 1v4 निकालना। लेट्स सी देखते क्या था, अभी भी बिल्कुल अपने शांति यहाँ पे, अपना शांति पर बिल्कुल पेशेंस लेवल दिखाया जा रहा है। सामने से मॉल ही आता हुआ, उनको पता चल चुका था कि होल्ड कर रहे हैं, फाइनली गस के द्वारा फिनिश ऑफ किया जाएगा। वैंडल का बहुत ही शानदार गेम यहाँ पे देखने को मिला, एंड बहुत ही बेहतरीन बैक टू बैक यहाँ पे राउंड लेके जाती हुई अटैकर टीम 11 राउंड यहाँ पे जीत चुकी है। एंड साथ ही साथ डिफेंडर की बात करूँ, 4 राउंड उन्होंने जीते। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि 2 राउंड अभी भी बचे हुए हैं, अब देखते हैं क्या होता है इस 2 राउंड में, क्या कौन सी टीम लेके जाती है। इज इट एक्सोटिक नेक्सस, इज इट हैकर। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी आसान हो चुका है कहना कि एक्सोटिक नेक्सस ही लेके जाएगी। हेक्सागन ईस्पोर्ट्स के लिए कमबैक करना बहुत ही समस्या हो चुका है, अगर यहाँ पे हल्की सी गलती करते हैं तो उनको भुगतना पड़ सकता है। बट आसान नहीं है, उनको चकमा देखने के लिए आपको भी बेहतर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गस को फिनिश ऑफ किया जाएगा। ऐसे यू भी क्यूटोस की बात करो, सी विंडो की तरफ होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़ा गया था हैस के टर्टल को, पता चल चुका है कि यहाँ पर सामने वाली टीम मुझे स्पॉट कर चुकी है, लेकिन सामने की तरफ कॉली को डाउन किया जाएगा। उसकी तरफ से थोड़ी सी गलती देखने को मिली, साथ ही साथ रहना आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, रहना ने अपनी एबिलिटी यूज कर लिया, इम्प्रेस लीड करती हुई नजर आएंगे। लेट्स सी देखते हैं सामने की तरफ, अभी भी डिफ्यूज बचा हुआ है क्या यहाँ पे, रहना अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन बहुत ही शानदार निशाना अटैकर एक और राउंड लेके जाते हैं बैक टू बैक, और साथ ही साथ लास्ट राउंड यहाँ पे बचा हुआ है। क्या यहाँ पर एक्सोटिक नेक्सस की टीम ये राउंड लेकर बिल्कुल यहाँ पे विजय पताका लहराने वाली है। बिल्कुल लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, क्या यहाँ पे अभी भी डिफेंडर के पास एक हल्का सा मौका है, 1% का मौका है। एंड अगर आपके पास 1% का मौका भी होता है ना तो आप उसके ऊपर जीने का कोशिश करते हो, लेकिन देखते हैं कैसा। और यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर मैं हैक्स की टीम की बात करूँ तो थोड़ी सी गलतियाँ देखने को मिली हैं। अगर मैं जैसा कि मैं अटैकर टीम की बात करूँ, इनका मोस्ट ऑफ द शॉट की अगर मैं बात करूँ ना हेड पे कनेक्ट होता है, ज़्यादातर ये हेड पे निशाना लगते हैं, लेकिन अभी भी मिस और ओमेन की बात को अपना देखा जाए तो डार्क कवर तो इस्तेमाल किया है, बी के साइड होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। कंटिन्यूस यहाँ पे 10TP01 की तरफ से बी साइड पे भी स्काई स्मोक करने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं जरा नेपू की तरफ, नेपू को पता चल चुका है कि डिफेंड के जो प्लेयर्स हैं आगे की तरफ है, बी की तरफ है। फाइनली यहाँ पे हैक्स से जॉन करने का कोशिश कर रहे थे, बट फाइनली उसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए नेपू, इनको पता चल चुका था कि शॉट्स इनको पड़ा और स्पाइक करियर इज डेड, एनिमी डाउन, करियर किल्ड, ओके। एंड स्पाइक इनका गिर चुका है। डिफेंडर की मैं बात करूं, डिफेंडर अब स्पाइक पे पूरी निगरानी रख रहा है। 10TP01 यहाँ पे है कि यूबीक्यूटोस को फिनिश ऑफ करेंगे। ट्रेड ऑफ देखने को मिला, 2v2 का राउंड है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए प्रिमस्टोन ने स्पाइक उठा लिया और उनके पास है अल्टीमेट एबिलिटी की मैं बात करूँ, देखते हैं वो कैसे कर पाते हैं अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे बात कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे है कि हाइपरियन को फिनिश ऑफ किया। चलते हैं जरा 10TP01 की तरफ, फिलहाल यहाँ पे प्लांट कर दिया गया। एंड साथ ही साथ मैं बात करूँ, लास्ट राउंड है, हैक्स के हर्स को डिफ्यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो
दिक्कत वाली समस्या वाली बात होती है नजर आ रही है। सोवा ने अपने रैकन बोल्ट का इस्तेमाल किया है। अगर थोड़ा सा ओपन की तरफ जाते हेक्सर्स का बिल्कुल लोकेशन रिवील आउट हो जाता, लेकिन पीछे की तरफ रहे रिवील आउट नहीं हुआ। लेकिन अगर डिफ्यूज करेंगे सामने वाले टीम को पता चलेगा, लेट जितना करेंगे डिफ्यूज होगा, क्या ये डिफ्यूज कर पाएंगे या नहीं। ओके यहां पे ऑर्बिटल स्ट्राइक का कमाल फाइनली अटैक ऑन यहां पे लेके जाते हुए काफी शानदार गेम प्ले यहां पे देखने को मिला। एक्सोटिक नेक्सस की तरफ से नोवेयर टू रन, यहां बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। नोवेयर टू रन काफी शानदार हेवन का गेम प्ले यहां पे निकाल के लेके गई एक्सोटिक नेक्सस, काफी बेहतरीन। चलते हैं जरा प्लेयर के स्टैट्स की तरफ। प्लेयर के स्टैट्स की बात करूं, गस की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो एवरेज कॉम्बैट स्कोर 299, साथ ही साथ किल डेथ एंड असिस्ट की हम बात करें तो देख सकते हैं 18 किल्स 14 असिस्ट, सॉरी गाइस 14 डेथ एंड 1 असिस्ट, साथ ही साथ 10 टीपी 01 की बात करूं, एवरेज कॉम्बैट स्कोर 292, किल 19, डेथ की मैं बात करूं 6 डेथ एंड असिस्ट 7। इकॉन रेटिंग काफ़ी शानदार यहां पे देखने को मिला, 10 टीपी काफ़ी अच्छे खासे अपने इकॉन रेटिंग में रहे। अगर मैं बात करूं इकॉन रेटिंग की तो 73 सबसे हाईएस्ट इकॉन रेटिंग देखने को मिला। साथ ही साथ में बात करें यहाँ पे फर्स्ट ब्लड सबसे ज़्यादा यहाँ पे गस ने निकाला है। अगर मैं फर्स्ट ब्लड की बात करूँ 9 टाइम्स, बहुत ही शानदार गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिला गस की तरफ से। साथ ही साथ प्लांट्स की बात करें 0 प्लांट्स एंड डिफ्यूजेस 0। कॉली की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा अपना जेड का इस्तेमाल कर रहे थे, 14 किल्स 12 डेथ एंड 1 असिस्ट। इकॉन रेटिंग की बात करें 56 फर्स्ट ब्लड 3 बार निकाला है, प्लांट 0 एंड डिफ्यूजेस 0। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे एक्सोटिक नेसेस आगे का राउंड लेके जाएगी एंड साथ ही साथ हेक्सागन के स्पॉट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ ये मैच खत्म होता है गाइस, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एंड आपको ऐसे ही बहुत ही शानदार फ्लुएंटली अगर आपको गेम खेलने हैं तो गाइस चाहिए WD ब्लैक NVMe SSD के साथ एंड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो रीड एंड राइट वाली जो स्पीड है ना यार बहुत ही बेहतरीन है। तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं आप सभी से कुछ देर में। हेलो आई लिव इनसाइड माय ओन वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So